कॉरपोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, कॉरपोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले अपने जो कॉमन पोर्शन है ना वो कॉमन पोर्शन खत्म करेंगे, विच इज गोइंग टू टेक मी टू क्लासेस। इन दोस टू क्लासेस विल बी लर्निंग हाउ टू ड्राफ्ट द नोटिस ऑफ द मीटिंग्स, नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन। आप लोग सब लॉ में पढ़ रखे हैं ना, ये सब नोटिस देना पड़ता है, पता है ना? बताओ जनरल मीटिंग का नोटिस कितना दिन पहले देना पड़ता है? जनरल मीटिंग का नोटिस कितना दिन पहले देना पड़ता है? एटलीस्ट लगा दो, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। तो आप क्या है ना, अगर आपको बहुत अच्छा से पढ़ाई आप लोग का हो रखा है इंटर लेवल पर, हाँ इंटर लेवल से याद आया, सीएस एग्जीक्यूटिव में कलकत्ता में इस टर्म में 45 स्टूडेंट्स क्लियर किए हैं। कितने? 45। तो जो 45 स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं ना, वो पक्का जो है ना फाइनल में उनका चांसेस क्लियर होने का ज्यादा रहता है। पूछो क्यों? क्योंकि उन लोग एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया। तो एग्जीक्यूटिव क्लियर करना ही मतलब एक अपने आप में फतेह करने के बराबर है, क्योंकि सीएस का चेकिंग बहुत ज्यादा रफ रहता है, बहुत ज्यादा रफ रहता है। एक तरीके से अच्छा भी है ना, एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है कि वंस यू क्लियर योर एग्जीक्यूटिव पार्ट, यू आर 90% श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लियर योर प्रोफेशनल पार्ट, 90% श्योर। कंडीशन अप्लाई, जो तुम करते आ रहे हो वो तुमको करना रहेगा, मतलब जो तुमने स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूटिव में अपनाया होगा वही सेम तुमको टेक्निक अपनाना पड़ेगा, तब तुम अपना फाइनल भी जो है वो क्लियर कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। विद डेट इन माइंड हम लोग आज जो है अपना ड्राफ्टिंग का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले वार्म अप कर लीजिए आप लोग, ड्राफ्टिंग हम जो है आपको पूरा अच्छे से लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे, और ड्राफ्टिंग का तो अलग से मैट भी रहेगा, बट वो ड्राफ्टिंग का अलग से मैट किन लोगों के लिए रहेगा? सीएस के लिए, ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। अब सुनो ध्यान से, फोकस। पहले दो क्लास में हम लोग क्या क्या चीज का ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं? नोटिस का, नोटिस किसका, जनरल मीटिंग का कि बोर्ड मीटिंग का? दोनों का, सारे प्रकार का मीटिंग का नोटिस का। अच्छा, फिर मिनट्स का नोटिस सीखेंगे, मिनट सीखेंगे, एंड रेजोल्यूशन, बस खत्म। नोटिस, मिनट्स एंड रेजोल्यूशन। ओके, नाउ इफ वी आर टू ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, इफ वी आर टू ड्राफ्ट द नोटिस ऑफ, यू हैव टू नो द लॉ रिलेटिंग टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। ड्राफ्टिंग इज नथिंग बट द शोकेस ऑफ योर टैलेंट ऑफ द लॉ, ड्राफ्टिंग इज नथिंग बट यू आर शोइंग ऑफ योर लॉ का नॉलेज। लॉ का नॉलेज को तुमको शो ऑफ करना है, उसी को ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो पहले एक बार वार्म अप कर लो, फटाफट बताओ जनरल मीटिंग के लिए नोटिस कितना दिन देना पड़ता है पहले? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज। जनरल मीटिंग का नोटिस हम लोग को देना पड़ता है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, पक्का? अच्छा, फिर मेरे को बताओ, जब एनुअल जनरल मीटिंग का अगर डिस्कशन चल रहा होगा, किसका चल रहा होगा बताओ ना, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस लगेगा कि स्पेशल बिजनेस? फटाफट, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस लगेगा कि स्पेशल बिजनेस? अरे ऑर्डिनरी बिजनेस को प्यार से क्या बोलते हैं? अड्डा। ए फॉर एनुअल अकाउंट, डी फॉर डिविडेंड। अच्छा अच्छा जी, हम पहले उस बच्चा से बात कर लें जो कि आज तक कंपनी लॉ का क्लास ही नहीं किया है। तो अगर आप कंपनी लॉ का आज तक क्लास ही नहीं किए हैं, आपको पता ही नहीं है कि नोटिस क्या होता है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, तो आप ड्राफ्टिंग का पेपर आपके लिए नहीं बनाए, ऑब्वियस सा बात है। सबको पता है नोटिस क्या होता है? हमको डर लग रहा है सेक्शन पूछने में, बट फिर भी हम पूछेंगे। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग का, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग का सेक्शन नंबर कौन सा था? हाँ, 101। बिल्कुल सही जवाब, नोटिस का सेक्शन हुआ करता था 101। एंड बोर्ड मीटिंग का अगर हम बात करें तो बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173। अरे श्योर? देन यू आर करेक्ट, लवली। नहीं भी पता है, जिसको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो नोटिस जो है, सुनो, बिल्कुल अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस आएगा कि स्पेशल बिजनेस आएगा एनुअल जनरल मीटिंग में? दोनों आएगा। ऑर्डिनरी बिजनेस चार आइटम होता है, अड्डा बोलते थे ना इसको प्यार से, एनुअल अकाउंट डिस्कस होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन, ठीक है। एनुअल अकाउंट, डिविडेंड, डायरेक्टर, एनुअल अकाउंट,
डिविडेंड डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन. ये ऑर्डिनरी बिजनेस है जिसको प्यार से अपने क्या बोलते हैं बताओ अड्डा. इसके अलावा सब कुछ क्या रहता है स्पेशल बिजनेस. अरे श्योर बॉयज एंड गर्ल्स श्योर. अब देखो भाई जब नोटिस का आपको ड्राफ्टिंग करने बोलेगा तो कुछ इस प्रकार आपको ड्राफ्टिंग करना रहेगा. हम डिक्टेट कर देंगे आप टेंशन मत लीजिए हम डिक्टेट कर देंगे एवरीथिंग विल बी डिक्टेटेड. और आपको पहले भी बोला हुआ है सीएस फाइनल वालों के लिए तो 100 नंबर का ड्राफ्टिंग का अलग से एक मैट रहेगा ऑफ दिस काइंड. उन लोग का तो एक अलग से मैट रहेगा ड्राफ्टिंग के ऊपर. बट ये मैट सी बार बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलेगा. उन लोग खाली दो क्लास का मेहमान है. और अभी देखो और सीएस का ड्राफ्टिंग चलते रहेगा. समझ में आया. हम लोग सबसे पहले ड्राफ्टिंग का पेपर ही खत्म करने वाले हैं. आई रिपीट वी आर गोइंग टू कंप्लीट विच पेपर. ड्राफ्टिंग का पेपर लगातार लगभग 15-20 क्लास में अपने मिल करके खत्म कर देंगे. नाउ फोकस लुक वेरी हार्ड. मान लो तुमको नोटिस का ड्राफ्टिंग करने आया और तुम्हारा ये पेज है. तुमको बीचों बीच लिख देना है नोटिस. ओके बीचों बीच क्या लिख देना है नोटिस. और मान लो से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस का ड्राफ्टिंग पूछा. बताओ ना एजीएम का ड्राफ्टिंग का नोटिस पूछा. बताओ से फॉर एग्जाम्पल एजीएम किस दिन करोगे. चलो बताओ एनुअल जनरल मीटिंग का एक डेट बता दो ना. बताओ 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 कोई भी एक डेट बता दो. कोई भी एक डेट बताओ. हाँ अच्छा हुआ आई एम लाइकिंग इट कि तुम लोग 30 सितंबर के बाद नहीं बोल रहा है. नहीं तो क्या है ना कुछ बच्चे अभी बोल देंगे ये मार्च को कर लीजिए. समझ में आ रहा है एजीएम तो साल खत्म होने के बाद होगा ना. अरे एजीएम साल खत्म होने के बाद होगा. अच्छा वहां से कितना महीना 6 महीना पक्का. तो अभी हम लोग का अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 खत्म हुआ है. ठीक है फाइनेंशियल कौन सा खत्म हुआ बताओ ना. 17-18 कब खत्म होगा 31 मार्च 2018 वहां से 6 महीना के अंदर आपको एजीएम करना पड़ता है यानी 30 सितंबर 2018. तो एकदम पापी लोग की तरह 30 सितंबर को मत करो रे बाबा. इट्स नॉट अ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कि एकदम लास्ट डेट पर आप सब कुछ करें. थोड़ा पहले कर लो. हाँ 5 दिन पहले कर रहे हो. कैसे बच्चे हैं. जो बड़ा बड़ा कंपनीज होता है उन लोग जैसे ही मार्च में खत्म होता है लगभग मई जून में करके सलटा देता है. समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है. तो अपने काम करते हैं जून में कर लेते हैं. ठीक है चलो मेरा बर्थडे वाले दिन कर लेते हैं 14th of June 2018. ठीक है आपको जरूरी नहीं है आप अपना बर्थडे वाले दिन मत कर लेना 30 सितंबर के पहले पहले करना. समझ में आया क्या बोला जा रहा है. अब पता है जितना भी शेल कंपनीज बोल लो या प्राइवेट कंपनीज बोल लो जहां पर ज्यादा कंप्लायंसेस का दरकार है नहीं आप देखेंगे सबका एजीएम 30 सितंबर को होता है 30th September लास्ट डेट. क्योंकि एजीएम उन लोग एक्चुअल में तो करता ही नहीं है ना. जब एनुअल रिटर्न भरने का समय आता है तो डेट लिखना पड़ता है तो लिख देता है. लास्ट डेट क्या कब होता है एजीएम का 30 सितंबर लिख दो 30 सितंबर. तो इट्स नॉट अ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस. ओए मार्च के बाद करना सितंबर के पहले करना. इतना बुद्धि में रहेगा. मान लो एजीएम का डेट क्या बताओ 14 जून 2018. ठीक है अब बताओ नोटिस कब देंगे डेट बताओ नोटिस का. तो क्या लिखे यहां पर 21 clear days लिखे क्या. गिव मी अ डेट. अब कुछ बच्चे जो है अरे 14 जून को मीटिंग है 10 जून को दे दे क्या 4-5 जून को दे दे क्या. बोलो कितना दिन पहले देना पड़ेगा एटलीस्ट 21 clear days पहले ना. अब कुछ बच्चे काउंट करने लगे 21 दिन गिनो भैया. अरे एटलीस्ट 21 clear days है ना तुम एक महीना पहले देना नोटिस. हे भगवान समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा है. तो 14 जून है तुम यहां पर 15 मई को आराम से दे दो. तो नोटिस के राइट हैंड साइड में हम लोग डेट लिख देते हैं किस दिन नोटिस दिया जा रहा है. समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा है. 15 नोटिस जो है उसके ठीक पैरेलल नीचे नोटिस के ठीक पैरेलल नीचे बताओ 15 मई 2018. ओके सो दिस इज नोटिस दिस इज 15 मई 2018. ओके यहां पर जहां आप लिखे हैं ना क्या लिखे हैं नोटिस तो आप एग्जामिनर के लिए लिखे हैं हेडिंग की. ये देखो नोटिस देखो 15 में 2018 के ठीक सेंटर में आपको कंपनी का नाम और एड्रेस लिखना पड़ता है. ठीक है मान लो कंपनी का नाम एम लिमिटेड लिख दे रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिख देना ईमेल आईडी फैक्स नंबर कॉन्टैक्ट नंबर
ठीक है, एमए लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आपको यहां पर अपना जीएसटी नंबर, सिन नंबर यहां पर लिखना कंपलसरी नहीं है, जस्ट खाली कॉन्टैक्ट के लिए सब दिया जा रहा है कि आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये सब जगह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का नाम लिख दिया, एमए लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वहां पर डेट लिख दिए। ये डेट कौन सा मीटिंग का है कि नोटिस भेजने वाला है। अब स्टार्ट आप कैसे करेंगे, जब आप नोटिस भेजते हैं ना, कि समझो ये सब इतना अच्छा अच्छा ड्राफ्टिंग है कि तुम कोई भी कंपनी में जाओ, तुम बड़ा से बड़ा कंपनी में जाओ और छोटा से छोटा कंपनी में जाओ, एरा गेरा न तो करा, आंडू पांडू कैसा भी कंपनी में जाओ, तुमको ये सब करना पड़ेगा क्या? सोच करके बताओ, क्या तुमको ये सब करना पड़ेगा क्या? क्योंकि मीटिंग का तो नोटिस सभी कंपनी में एप्लीकेबल होगा, मीटिंग का जो मिनट्स रहेगा हर जगह ही रहेगा, रेजोल्यूशन, आप एक बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बैंक वाला भी आपसे, अगर कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे तो क्या पास करना पड़ता है, तो उसका भी फॉर्मेट आपको आना चाहिए। तो ये सब तो डे टू डे क्लरिकल वर्क है। जो पहला दो क्लास में आप ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं ना, वो कोई तोप वाला ड्राफ्टिंग नहीं सीख रहे हैं, आप क्लरिकल वर्क सीख रहे हैं आप, जो कि एक आदमी को आना ही चाहिए अगर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? उसके बाद तो स्पेशलाइज ड्राफ्टिंग चालू हो जाएगा। पहला दो ड्राफ्टिंग क्लास तो क्लरिकल वर्क वाला ड्राफ्टिंग है, मतलब इट इज डीम्ड दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस ड्राफ्टिंग। ठीक है सर, ठीक। ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ड्राफ्ट द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो आप ये पूरा फॉर्मेट रेडी कर लिए और अब आपको नोटिस ड्राफ्ट कर देना है। नोटिस कुछ इस प्रकार ड्राफ्ट करना, नोटिस इज हेयर बाय गिवेन, क्या लिखेंगे आप बताओ ना, नोटिस इज हेयर बाय गिवेन, नोटिस इज हेयर बाय गिवेन दैट एनुअल जनरल मीटिंग का नंबर बताना पड़ता है, 10th एनुअल जनरल मीटिंग, 11th एनुअल जनरल, नंबर बताना पड़ता है। नोटिस इज हेयर बाय गिवेन दैट 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एमए लिमिटेड, 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ, नोटिस इज हेयर बाय, कैसे स्टार्ट करेंगे, नोटिस इज हेयर बाय गिवेन दैट द 10th एनुअल जनरल, नोटिस इज हेयर बाय गिवेन दैट द 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एमए लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन, विल बी हेल्ड ऑन। नोटिस का फीचर क्या क्या था याद करो, तो कंपनी लॉ में पढ़ रखे हो, नोटिस का फीचर क्या क्या था, नोटिस विल कंटेन डेट, डेट टाइम प्लेस, डेट डे टाइम प्लेस, तो नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट द 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एमए लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन 14th June 2018, Thursday, डेट डे हो गया, एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। एनुअल जनरल मीटिंग कहां पर होता है, कंपनी के कहां पर होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, अरविंद रूप देश। हालांकि कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में अमेंडमेंट है कि जो अनलिस्टेड कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज हैं उन लोग अपना एजीएम जो है ना वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कर सकते हैं, बट प्रथा ही चले आ रहा है कि एजीएम हम लोग कहां करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस करने में क्या दिक्कत है बताओ, तुमको एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस में करने में कोई दिक्कत है क्या? तो ड्राफ्टिंग के समय एजीएम कहां पर करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस। समझ में आ रहा है? तो नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एमए लिमिटेड, ध्यान से सुन लो क्योंकि तुम ही लोग को हम लिखने देंगे, नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एमए लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन 14 जून थर्सडे एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस डैश, डैश मतलब एड्रेस, एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस डैश एट 10 AM लिख दो, क्योंकि मीटिंग तो 9 AM टू 6 PM के बीच में होगा, 9 AM टू, तो तुम 10 AM लिख दो, एट 10 AM डे डेट टाइम प्लेस सब हो गया, एट 10 AM टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, टू ट्रांजेक्ट द, आपको तो पता है ना जनरल मीटिंग का जो नोटिस रहता है नोटिस में क्या जाता है, एजेंडा, कैसे बच्चे हैं रे बाबा, नोटिस शुड कंटेन टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, अब वो फॉलोइंग बिजनेस में क्या रहेगा, एजेंडा। तो मैं क्या बोला जा रहा है, अब वो एजेंडा में क्या रहेगा, ऑर्डिनरी बिजनेस की स्पेशल बिजनेस, अगर एनुअल जनरल मीटिंग चल रहा है एजीएम में तो ओबी और एसबी दोनों लगेगा, अगर ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग चलता, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग चलता तो खाली क्या रहता बताओ, तब तो एजेंडा के अंदर खाली स्पेशल बिजनेस है। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, श्योर? तो कैसे स्टार्ट करेंगे देख लीजिए ना, कैसे लिखेंगे बताइए, तो नोटिस इज हेयर बाय गिवन डेट द 10th एनुअल, कोई शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते, समझ में आया, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट द 10th, संघी मत बन जाना, कभी भी ड्राफ्टिंग करते समय क्या होता है ना, कुछ कुछ बच्चा लोग संघी बन जाता है क्योंकि उन लोग
परफेक्शनिस्ट होना चाहता है एंड इन स्पाइट ऑफ बिंग परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट के ऊपर का भी एक लेवल होता है, उस लेवल को बोलते हैं संकी। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? तो वो संकी बच्चा क्वेश्चन क्या करेगा, ये टेंथ ऐसे लिखे कि टी एन टी एच लिखे, कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखो। तो टी एन टी एच लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, उसको बोलते हैं संकी बना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट द टेंथ एनुअल जनरल नोटिस इज हैव गिवन दैट द टेंथ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एम लिमिटेड, नोटिस इज हैव गिवन दैट द टेंथ एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एम लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन 14 जून 2018। क्या पढ़ रहा है? हाँ, मंडे पढ़ रहा है। अब चेक कैलेंडर चेक मत करना, चालू कर देना एग्जाम में, कुछ भी लिख देना, 14 जून 2018 कॉमा मंडे एट कंपनीज रजिस्टर्ड एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस डैश डैश डैश। समझ में आया? एट हाँ, तुमसे उठा नहीं जाता इसलिए 11 AM एट 10 AM टू ट्रांजैक्ट द, बिल्कुल सही, टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग। अब वो बिजनेस के अंदर क्या आ जाएगा? ये पूरा रेडी हो गया ड्राफ्टिंग, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? एजेंडा। अब एजेंडा के अंदर आप लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, बताओ क्या? हाँ, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कितना आइटम आएगा? बिल्कुल सही जवाब, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कितना आइटम आएगा? 4। अब आप उसको पॉइंट 1 2 3 4 करके लिख देंगे, लिखना पड़ेगा, हम लिखवाएंगे। ऑर्डिनेंस के अंदर कितना आइटम आएगा? 4। फिर उसके नीचे पॉइंट नंबर बी क्या लिखेंगे? स्पेशल बिजनेस। ओके, ऑर्डिनेंस कितना लिखेंगे? स्पेशल बिजनेस कितना लिखेंगे? हाँ हाँ, अरे तुमको ड्राफ्ट क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, क्वेश्चन में खाली इतना ही लिखा हुआ है, ड्राफ्ट एंड नोटिस ऑफ एजीएम। तो अब आप क्या क्वेश्चन से बात करेंगे? यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन, ड्राफ्ट एंड नोटिस ऑफ एजीएम, ठीक है? तो अब आप ऑर्डिनेंस 4 लिख दे रहे हैं, उसके नीचे स्पेशल बिजनेस कितना लिखेंगे? 4 5 6 लिख देंगे, ड्राफ्टिंग आएगा, ये एक ड्राफ्टिंग 5 नंबर का, ठीक है? 4 से 5 नंबर का एक ड्राफ्टिंग आएगा, 4 to 5 marks, ठीक है? अब एक बच्चा बोल रहा है तो 4 ऑर्डिनेंस लिखे ना, ऑर्डिनेंस के अलावा तो सभी स्पेशल बिजनेस होता है, कैसे बच्चे हैं? सर लिख देंगे, सर टेंशन मत लीजिए, 4 5 स्पेशल बिजनेस लिख देंगे। अच्छा जी, जितना भी स्पेशल बिजनेस होता है उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, आपको पता है ना? हाँ, हर एक स्पेशल बिजनेस का क्या जाएगा? एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। तो हर एक स्पेशल बिजनेस का एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तो आप आराम से बादाम छीलते छीलते 5 स्पेशल बिजनेस लिखिए, 5 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाइए, आराम से 5 6 पन्ना का ड्राफ्टिंग करके आइए, क्योंकि आपको खाली वही आता है एग्जाम में, तब तो खाली वही करिए। यू हैव टू कंप्लीट योर ड्राफ्टिंग ऑफ 4 to 5 marks इन 5 to 10 minutes, मैक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी हम बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 to 6 minutes में यू हैव टू कंप्लीट इट, 5 से 6 मिनट में तुमको ड्राफ्टिंग कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? तो एक बच्चा बोलेगा हाँ, तो लिखेंगे नहीं स्पेशल बिजनेस, एजीएम में अड्डा लगना जरूरी है ना रे बाबा, स्पेशल बिजनेस लगना जरूरी नहीं है। अब बहुत सारा कंपनी लोग होता है, 99.99% कंपनी लोग का तो एजीएम जब होता है तो बड़ा इवेंट है एजीएम, उसमें उन लोग खाली ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करता है, नहीं समझा रहे बाबा, स्पेशल बिजनेस के लिए तो उन लोग क्या बुला लेगा? एजीएम। बट ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देगा एग्जामिनर के ऊपर कि देखो इस बच्चा को खाली लगता है ना, एग्जामिनर सोचेगा इस बच्चा को पता ही नहीं है कि एजीएम में स्पेशल बिजनेस लग सकता है, इस बच्चा को लगता है कि एजीएम में खाली अड्डा लगता है, देखो ये खाली अड्डा लगा करके आया है, तो शगुन का इसलिए हम एक तो क्या लिख देंगे? स्पेशल बिजनेस। समझा रहा है क्या बोला जा रहा है? ओके, श्योर? ऑर्डिंग बिजनेस क्या 5 हो सकता है? हाँ, 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है। अब मान लो उसमें से अड्डा में से एक डी बताओ तो क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मिस्टर वाई, टू अपॉइंट मिस्टर ए एज अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मिस्टर बी, टू अपॉइंट मिस्टर सी एज अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मिस्टर डी। अब समझे नहीं हम क्या बोले? अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर क्या हो रहा होगा? रिटायर हो रहा होगा, तो उसके जगह हम लोग अपॉइंट करेंगे ना रे बाबा, तब तो वो बढ़ जाएगा ना, बोलो पक्का?
बट हम लोग यहां पर अभी कितना दिखाने वाले हैं, चार, और फिर क्या दिखाएंगे बताओ ना, स्पेशल मिनट्स। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कंप्लीट नहीं हुआ ड्राफ्टिंग नोटिस का, बट नोटिस का यहां तक का ड्राफ्टिंग क्लियर है क्या? बोलो क्या लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? नोटिस इज गिवन से। ओके लिखना चालू करो, कॉपी खोल लो, फटाफट कॉपी खोल लो। पहला दो क्लास का ड्राफ्टिंग हम लोग कॉपी में करते हैं, उसके बाद दो क्लास के बाद सीएस वाला लोग का ड्राफ्टिंग जो है वो मैट से होता है। फर्स्ट टू क्लासेस में मैट का दरकार नहीं है, फॉर द फर्स्ट टू क्लासेस यू डोंट रिक्वायर मैट। कॉपी खोल लो, ड्राफ्टिंग स्टार्ट करो। बोर्ड में जो लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन नंबर वन दे दो। क्वेश्चन नंबर वन, ड्राफ्ट नोटिस ऑफ एजीएम, ड्राफ्ट नोटिस ऑफ एजीएम, ड्राफ्ट नोटिस ऑफ क्या लिखा, एजीएम, ड्राफ्ट नोटिस ऑफ एजीएम। आप लोग को भी मार्जिन बनाना है क्या? ये मार्जिन बनाओगे क्या? नहीं, तुम्हारे कॉपी में मार्जिन बना हुआ है। स्टार्ट कर दो, जैसे लिखे वैसे ही स्टार्ट कर दो। फ्रेंचाइजी स्टूडेंट्स, जिन लोग ये क्लासेस देख रहे हैं, दिस इज वैलिड फॉर 2018 एंड 2019। इफ योर एग्जाम्स आर ड्यू इन 2018 एंड 2019, देन यू आर वाचिंग द करेक्ट वीडियो। इफ योर एग्जाम इज ड्यू इन 2020, यू आर वाचिंग द रॉन्ग वीडियो। यहां तक डन है? आपको टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस तक लिखना है, टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस तक लिखिए, उसके बाद हम लिखवाएंगे। नोटिस इज हियर बाय गिवन, दैट द 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एमए लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन 14 जून 2018 मंडे एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस डैश एट 10 AM टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, एट 10 AM टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस। वो फॉलोइंग बिजनेस तक लिख लिए क्या? My God, you guys are getting very slow. Notice is hereby given that the 10th annual general meeting of the members of MA Limited, of the members of MA Limited. बस उसके बाद तो क्या लिखना है आपको पता ही है, डेट डेट टाइम प्लेस। खाली पहला लाइन आपको याद रखना है, नोटिस इज हेयरबाय गिवन दैट द 10th annual general meeting of the members of MA Limited. Notices have been given that the 10th annual general meeting of the members of MA Limited will be held on date, day, time, place, 14 June 2018, Monday, at company's registered office dash at 10 AM to transact the following business. To transact the following business. To transact the following business. वहां तक पहुंच गए हैं क्या? टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस में डैश लिखो। लिखा क्या? टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस में ऐसे लिख दिया ना, उसके नीचे पॉइंट नंबर ए ऑर्डिनरी बिजनेस, पॉइंट नंबर ए ऑर्डिनरी बिजनेस, पॉइंट नंबर ए ऑर्डिनरी बिजनेस। कितना तो ऑर्डिनरी बिजनेस लिखेंगे अपने, अपने चार लिखेंगे। अब सुनो, आप ऐसे नहीं लिख करके आ सकते हैं, अड्डा नहीं, फुल फॉर्म ही हम बात कर रहे हैं,
अब फुल फॉर्म खाली लिख करके नहीं आ सकते हैं, ये देखो ये चार्ट ऑर्डिनरी में, आप क्या थ्योरी का आंसर लिख रहे हैं? बोलिए, क्या आप थ्योरी का आंसर लिख रहे हैं? आप क्या नोटिस का फीचर्स लिख करके आ रहे हैं कि नोटिस प्रैक्टिकली ड्राफ्ट कर रहे हैं? सुन आया? तो आप यहां पर थ्योरी नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस कंटेंस ऑफ फॉलोइंग फोर आइटम्स, हट, आपको पूरा लिख करके दिखाना है। अच्छा एक बात बताओ ना, नोटिस फ्यूचर टेंस में जाता है कि पास्ट टेंस में जाता है? नोटिस का टेंस क्या रहेगा? ये सब जो यहां लिखेंगे हो चुका है कि होगा? हाँ होगा ना, तो ये फ्यूचर टेंस में लिखने वाले हम लोग, समझ में आया? जैसे सबसे पहले ए क्या रहता है बताओ ना, ऑर्डिनरी बिजनेस सबसे पहले आइटम क्या रहता है? अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट ना, तो इसको हम लोग टू 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 करके लिखेंगे कि ये सब करेंगे। नहीं समझा रहे बाबा, समझा क्या? टू रिसीव, सीधा अडॉप्टिंग, टू रिसीव कंसिडर, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब अप्रूव, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट, समझा? इस तरीके से लिखेंगे, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट, लिखना चालू करो। ऑर्डिनरी बिजनेस का पॉइंट नंबर वन, टू रिसीव कॉमा कंसिडर, टू रिसीव कॉमा कंसिडर एंड अडॉप्ट, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर, बताओ कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 14 जून 2018 को मीटिंग कर रहे हो, कौन सा फाइनेंशियल ईयर केजीएम हो रहा है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 कॉमा ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट देयर ऑन, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट देयर ऑन, समझ में आता है? उसके साथ जो ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट देयर ऑन, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट देयर ऑन, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट देयर ऑन, देयर ऑन मतलब समझ आ रहा है उसके ऊपर, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट देयर ऑन, बस खत्म। पॉइंट नंबर टू बताओ, अब सुनो, अब हम नहीं बताएंगे, अब हम एक तो भी नहीं बताएंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस का रिमेनिंग सारा आइटम तुम लोग बताओगे, बताओ कैसे लिखोगे? वैसे बताओ, डिविडेंड डिविडेंड ऐसे पागलों की तरह मत चिल्लाओ, कैसे लिखोगे वैसे बताओ? टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% में, क्या नहीं जानी है बे? कुछ नहीं होता 10% में, फेस वैल्यू 1 रुपया रहता है, 10% मिलेगा। टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ, हाँ अबे जितना लिखो घर का खेती है, कौन सा दे देना है? टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 500%। अच्छा 500% मतलब प्रॉफिट का 500% नहीं दे रहे हैं, पता है ना आप लोगों को ये सब? तो टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 500%, फिर बताओ क्या लिखोगे? टू अपॉइंट मिस्टर एक्स, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मिस्टर वाई, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मिस्टर वाई, टू अपॉइंट, एक ऑडिटर का नाम बता दो, टू अपॉइंट मिस्टर ए, थैंक यू, नहीं तो एक्स को भी तुम लोग डायरेक्टर बना रहे हैं, वाई जा रहा है उसी को ऑडिटर मत बना देना, टू अपॉइंट मिस्टर ए एज एन ऑडिटर, टू अपॉइंट ए एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, टू अपॉइंट मिस्टर ए एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट अ रेमुनरेशन, एट अ रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख, लिख दो। पॉइंट नंबर टू में लिख दो, टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 500%, टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 500%,
ऑब्वियस बात है, ये जो हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होंगे, ये डायरेक्टर लोग क्या किया होगा, रिकमेंड। डायरेक्टर लोग जितना रिकमेंड करता है उससे ज्यादा तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ क्या लिखा, 500% एज रिकमेंडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एज रिकमेंडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 500% एज रिकमेंडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एज रिकमेंडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पॉइंट नंबर कौन सा, पॉइंट थ्री में लिखिए, पॉइंट थ्री, फाइनल का जो पढ़ाई है ना, फाइनल का जो पढ़ाई थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, टेडियस हो सकता है, समझ में आया, तो तुमको उसी में मजा ढूंढना है, ऐसा अपने आपको कोसना नहीं है, इतना कुछ है, इतना कुछ है, वो है, ये है, समझ में आ रहा है, उसी में मजा ढूंढो कि वाह क्या पढ़ाई है, मजा आ गया, मतलब ऐसे एटीट्यूड के साथ। पॉइंट नंबर थ्री बताओ, पॉइंट नंबर थ्री में क्या लिखोगे, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मिस्टर वाई, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मिस्टर वाई, टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर मिस्टर वाई। पॉइंट नंबर फोर, टू अपॉइंट मिस्टर जेड, टू अपॉइंट मिस्टर जेड एज एन ऑडिटर, टू अपॉइंट मिस्टर जेड एज एन ऑडिटर, टू अपॉइंट मिस्टर जेड एज एन ऑडिटर, टू अपॉइंट मिस्टर जेड एज एन ऑडिटर एट अ रेमुनरेशन, एट अ रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख, एट अ रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख, फुल स्टॉप। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया चट्टो, नेक्स्ट क्या होता है बताओ, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर बी स्पेशल बिजनेस, पॉइंट नंबर बी स्पेशल बिजनेस, पॉइंट नंबर बी क्या लिखा, स्पेशल बिजनेस। अब स्पेशल बिजनेस में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, स्पेशल बिजनेस में डैश देकर के लिखो, स्पेशल बिजनेस में डैश देकर के लिख दो, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट, to consider and if thought fit, to consider and if thought fit, to consider and if thought fit, comma, to consider and if thought fit, to pass with or without modification, to pass with or without modification, to pass with or without modification, to consider and if thought fit, comma, to pass with or without modification, to pass with or to pass with or without modification, the following resolution, to pass with or without modification, the following resolution as a special resolution, as a special resolution, as a special resolution. क्या लिखा, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट लिखा, क्या लिखा बताओ तो, टू कंसिडर एंड इफ, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट, टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। अब जहां तुम लोग लिखा है ना, टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन, लाइन चेंज करके इन्वर्टेड कॉमर्स में रिजॉल्व को कैप्स लॉक में लिखो, कहां सर, कहां लिखे सर, कहां लिखे, जहां तुम्हारा खत्म हुआ उसके नेक्स्ट लाइन में बेटा, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करो और क्या लिखा, रिजॉल्ट, कैप्स लॉक में लिखो रिजॉल्ट, लिखा कैप्स लॉक में रिजॉल्ट, रिजॉल्ट दैट, क्या लिखा, रिजॉल्ट दैट। अब सुनो ध्यान से, क्या हो क्या रहा है, मामला क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस तक समझ में आ गया, फिर स्पेशल बिजनेस से पटरी चेंज हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा स्पेशल बिजनेस, देखो क्या लिखवाए हम, जब भी आप स्पेशल बिजनेस लिखोगे ना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट, क्या लिखेंगे, टू कंसिडर, टू कंसिडर
देखो बेटा, एजीएम में ऊपर वाला काम तो करना ही है, नहीं समझा? ऑर्डिनरी बिजनेस तो हमेशा कहां लगेगा? एजीएम। अब ये स्पेशल बिजनेस का रेजोल्यूशन जो है, चर्चा होगा मीटिंग में, और अगर जचा तो चर्चा करेंगे, और अगर उचित लगा तो पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे? जो अभी हम लोग रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, अभी हम आपको रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना सिखा रहे हैं। समझ आया? ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये रेजोल्यूशन, ये प्रपोज रेजोल्यूशन है। दिस रेजोल्यूशन इज प्रपोज रेजोल्यूशन, जो हम लोग नोटिस में भेज रहे हैं, और नोटिस में भेजते समय हम लोग लिख रहे हैं ये जो प्रपोज रेजोल्यूशन है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और अगर उचित लगा तो इसको पास कर देंगे, या तो बिना मॉडिफिकेशन के या मॉडिफिकेशन के साथ। मतलब ये फाइनल रेजोल्यूशन है? नहीं। तो नोटिस के अंदर हम लोग भेज रहे हैं, नोटिस के अंदर हम लोग भेज रहे हैं एक प्रपोज रेजोल्यूशन। नोटिस इज गोइंग टू कंटेन दिस प्रपोज, और हम लोग लिख करके भेज रहे हैं कि जो प्रपोज रेजोल्यूशन है चर्चा करेंगे, और अगर सबको अच्छा लगा उचित लगा तो पास कर देंगे टू कंसिडर, मतलब मीटिंग में कंसिडर किया जाएगा, एंड इफ नॉट फिट, मतलब अगर सबको जचा तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, टू कंसिडर चर्चा करेंगे, एंड इफ नॉट फिट टू कंसिडर चर्चा करेंगे, एंड इफ नॉट फिट टू कंसिडर, एंड इफ नॉट फिट टू कंसिडर, एंड इफ नॉट फिट टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज, जरूरी नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है। एक बच्चा पूरा सपना देख रहा है, बहुत ही ज्यादा पूरा सपना देख रहा है। आप लोग इमेजिन मत करो, सुनो सुनो, जरूरी नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है। समझ आया क्या बोला गया? क्योंकि है ये स्पेशल बिजनेस, क्या क्या स्पेशल बिजनेस में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए रहता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी लग सकता है? गिव मी फ्यू स्पेशल बिजनेसेस विच रिक्वायर ओवर, एम आई टॉकिंग टू द फाइनल बैच? सो गिव मी फ्यू स्पेशल बिजनेसेस। अरे सुनना है बेटा, अड्डा का छोड़ करके सभी कुछ क्या होता है स्पेशल बिजनेस? कुछ कुछ ऐसा स्पेशल बिजनेस हो जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लग सकता है। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही जवाब। क्या चीज बताओ ना? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, गिव मी सेक्शन नंबर। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल 61, वेरी गुड। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन नंबर 61। किन लोगों को याद आ जाता है? बोलने पर याद आ जाता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 61। फुल एंड, जिन लोगों को फुल एंड इसे शर्माने का बात नहीं है, गुड। और जिन लोगों को नहीं याद आता, इंस्टीट्यूट का तो देखो कहना है कि सेक्शन नंबर याद करना जरूरी नहीं है, बट मजा नहीं आएगा जब चार आदमी के साथ बैठोगे मीटिंग में, कॉरपोरेट में, ऑफिस में, जब सेक्शन नंबर ही मुंह से निकलेगा ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा। समझ आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो इट्स ऑलवेज इंपरेटिव फॉर अ फाइनल स्टूडेंट कि उसको तो सेक्शन नंबर जो है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, अब तो उम्र गया सेक्शन नंबर याद करने का, वो सब उम्र था इंटर एग्जीक्यूटिव में कुछ कर दिखाने का। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट का कहना है सेक्शन नंबर याद करना क्या है, ऑप्शनल। ठीक है, तो अब वो तुम्हारे स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर है कि तुमको सेक्शन नंबर याद रहता है कि नहीं रहता। हम जब ड्राफ्टिंग करवाएंगे हम दोनों बता देंगे कि जिसको सेक्शन नंबर याद रहता है वो कैसे लिखेगा, और जिसको सेक्शन नंबर याद नहीं रहता है वो बच्चा कैसे लिखेगा। तो ना सर, मार्क्स तो नहीं कटेगा ना? अगर मार्क्स कटता तो हम तो बोल देते ना कि सेक्शन नंबर इंस्टीट्यूट बोला है लिखो कंपल्सरी है, इंस्टीट्यूट क्या बोला है ऑप्शनल है। अच्छा सर, गलत सेक्शन नंबर लिख देंगे तो जीरो मिल जाएगा। तो ऑल्टरेशन का, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही। ऑल्टरेशन में क्या होता है? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, सब डिविजन ऑफ शेयर, इंक्रीजिंग द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? वो सब के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए? तो वो क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल स्पेशल बिजनेस है, बट ऐसा स्पेशल बिजनेस है जिसमें ओआर चाहिए। और बताओ, बायबैक, बायबैक में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कैसे बच्चे हैं? अच्छा, ये जो रिजल्ट हम लिखवाने ना, यहां पर हम क्या लिखवाए? स्पेशल रेजोल्यूशन ना, देखो देखो देखो, द फॉलोइंग रेजोल्यूशन है स्पेशल रेजोल्यूशन ना, तो मतलब हम तो यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन का लिखवाएंगे रिजल्ट, तो हम बायबैक का लिखवा देंगे। नहीं समझा रहे बाबा, एक ऐसा स्पेशल बिजनेस बताओ जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए रहता है। बायबैक, बायबैक पक्का, पक्का। अच्छा और बताओ, जहां जहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए रहता है, स्पेशल बिजनेस है बट ओवर चाहिए, है स्पेशल बिजनेस बट ओवर चाहिए,
है स्पेशल बिजनेस बट ओवर चाहिए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल से। अरे बहुत सारा है, एक तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, क्या ये स्पेशल बिजनेस है? हम अभी सारा स्पेशल बिजनेस बता रहे हैं जहां ओवर चाहिए, बताओ गिव मी फ्यू एग्जांपल स्पेशल बिजनेस का जो ओवर चाहिए। एक तो आप ऑल्टरेशन बोल दिए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाईपासिंग ओवर इंजीएम, सुने हो हा? और बताओ चेंज ऑफ नेम व्हेन इट इज आइडेंटिकल, नॉर्मल चेंज ऑफ नेम में ऐसा चाहिए, बट जब सीजी डायरेक्शन देता है कि नाम चेंज कर तब क्या चाहिए? ओवर। चेंज ऑफ नेम व्हेन इट इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल, बुद्धि में जा रहा है? अरे बोलो। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द मैटर ऑफ सेक अपॉइंटमेंट ऑफ एनी नॉर्मल डायरेक्टर रिक्वायर्स व्हाट? ओवर इंजीनियर अदर देन एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि वो तो बी आर एड बी एन है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो सारा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरली कैसे होता है? ओवर इंजीनियर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया ओवर इंजीनियर से। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? बोलो। तो इतना सारा स्पेशल बिजनेसेस है जहां पर क्या लगता है ओवर इन जीएम, बेशर्मो, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड एक्सीडिंग 5%, अयो रामा, अप टू 5% तो बीआरएड बीएम था, बट जब चैरिटेबल फंड में आप 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ओवर इन जीएम, एसआर नहीं था वहां पर, ओवर इन जीएम। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? ओके 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 ओके। तो हेंस प्रूव्ड कि स्पेशल बिजनेस में ये जरूरी नहीं है कि स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, ओआर भी लग सकता है। ओके लवली। अभी हम यहां पर क्या लिखवाएं, आप कैसे लिखेंगे स्पेशल बिजनेस नोटिस में? टू कंसीडर एंड इफ थॉट फिट, टू कंसीडर एंड इफ थॉट फिट, टू कंसीडर एंड इफ थॉट फिट, टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, टू पास विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ में आया? अभी हम क्या लिखवाए एज, तो स्पेशल रेजोल्यूशन का एक तो स्पेशल बिजनेस होता हूं बाई बैक, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, रिजॉल्व कैपिटल लेटर में लिखा, लिखो रिजॉल्व डैट परसुएंट टू, रिजॉल्व डैट परसुएंट टू मतलब उसको फॉलो करके, परसुएंट टू सेक्शन बायबैक का जो सेक्शन है पूरा 68 से लेकर के 70 तक है, सेक्शन 68 से लेकर के 70, तो रिजॉल्व डेट परसुएंट टू सेक्शन 68 कॉमा 69 कॉमा 70, रिजॉल्व डेट परसुएंट टू सेक्शन 68 कॉमा 69 कॉमा 70, जिन लोग ऑफ कंपनी एक्ट 2013 लिख दिया गलत हो जाएगा, रुक जाओ, रिजॉल्व डेट परसुएंट टू सेक्शन 68 69 70 लिखा है यहां तक, एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज, कंपनीज का स्पेलिंग देख लो तुम लोग, कंपनीज एक्ट भी जो है ना गलत लिख करके आता है एग्जाम में, कंपनीज एक्ट 2013 तो कंपनीज पूरा लिखा जाता है, नहीं समझा? रिजॉल्व डेट पर्सन टू सेक्शन 68 69 70 एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ द रूल्स मेड देयर अंडर, रेड विथ द रूल्स मेड देयर अंडर, रेड विथ द रूल्स मेड देयर अंडर, क्या सुनो, मॉडिफिकेशन आते रहता है क्या? अमेंडमेंट्स यानी मॉडिफिकेशन आते रहता है क्या? एक्ट री एनैक्ट होते रहता है क्या? तो उसको ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं इंक्लूडिंग एनी, इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन, इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन
इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन और री इनैक्टमेंट, इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन और री इनैक्टमेंट, इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन और री इनैक्टमेंट इन द करेंट लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इन द करेंट लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, करेंट लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इन द करेंट लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर फुल स्टॉप मत देना, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तो मैं आ रहा है ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब नॉर्मल लोग क्या लिखते हैं, रिजॉल्व्ड एट परसुएंट टू, सेक्शन याद है तो बढ़िया है, एंड एप्लीकेबल प्रोविजन कंपनी का दो है तेरा, तो मैं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बट एज अ स्टूडेंट, एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ रैंक होल्डर टाइप का स्टूडेंट, आपको ये पूरा अच्छे से लिखना चाहिए, तो मैं क्या बोला गया, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे ना, तो नॉलेज दिखाओ, शो ऑफ करो ना, क्या दिक्कत है, कि रिजॉल्व्ड एट परसुएंट टू फलाना फलाना सेक्शन एंड एनी अदर एप्लीकेबल, एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द रूल्स मेड देयर अंडर, फिर ब्रैकेट में हम लोग ये भी लिख दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन और इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन और री इनैक्टमेंट ऑफ द करेंट लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ब्रैकेट क्लोज, समझ में आ रहा है, अब करना क्या वो लिखेंगे, अभी तो खाली सेक्शन नंबर झाड़े हैं, अच्छा जिनको सेक्शन याद नहीं रहेगा वो यहां से स्टार्ट करेंगे, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू एनी अदर, नहीं सीधा एप्लीकेबल, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रेड विद द रूल्स मेड देयर अंडर इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन और री इनैक्टमेंट ऑफ करेंट लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, सर हम लोग को लिखवा दीजिए ना, सर हम लोग को सेक्शन याद रहना नहीं है, वो जब अभी हम खुद से रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने देंगे ना, तब आप लोग जो है बिना सेक्शन नंबर के, जिसको सेक्शन नंबर याद रहेगा वो सेक्शन नंबर लिखना, जिसको सेक्शन नंबर याद, चीटिंग मत करना, इधर उधर मत देखना, कैसे लिखोगे, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा, टेंशन मत लीजिए, बट अगर गलत सेक्शन लेगा काट करके फेंक देंगे, क्लियर, अब करना क्या है, करना क्या है, यहां बायबैक करना है ना, बोलो, तो रिजॉल्व दैट परसुएंट टू, समझ आ रहा है, लिखना चालू करो ब्रैकेट के बाद, कंसेंट इज हेयर बाय, कंसेंट इज हेयर बाय, कंसेंट इज हेयर बाय, कंसेंट मतलब समझ में आता, कंसेंट परमिशन, कंसेंट का स्पेलिंग लिखा है ना सही, सी ओ एन एस ई एन टी, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड, अकॉर्डेड मतलब दिया, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड, to buy back, consent is hereby accorded to buy back, सुनिए ना, बताइए ना, buy back को एक परसेंटेज बताओ ना फटाफट, 2% लिख दे, 2% अगर लिख देंगे ना, ये पूरा आंसर काट करके फेंक दिया जाएगा, क्योंकि अप टू 10% तक का जो buy back हो BRADBM में होता है, समझ में आया, तो एक बच्चा बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, तो 30-35% लिख देते, फिर भी कट करके फेंक दिया जाएगा, 25% तो बाईबैक होता ही नहीं है ज्यादा, समझ आ रहा है, तो अपने ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोग रेजोल्यूशन में, सब बेसिक बेसिक चीज, समझ आया, कितने लोग के मन में ये था कि 10% के ऊपर ही लिखना है, जिन लोगों को शुरू से ही लग रहा था कि 10% के ऊपर ही लिखना है, फुल एंड, झूठ नहीं, मां सरस्वती देख रहे, झूठ नहीं, बवाल वाले बच्चे, कंसेंट इज हियर बाय अकॉर्डेड टू बाई बैक 15%,
of the paid up shares, 15% of the paid up equity shares, 15% of the paid up equity shares, क्या लिखा रहे 15% of the paid up equity shares of the company, 15% of the paid up equity shares of the company, 15% of the paid up equity shares of the company, full stop. लिख दिया हाँ, full stop के बाद लिखो. अब सुनो, जब भी रेजोल्यूशन के अंदर नेक्स्ट लाइन आएगा ना, बोलो क्या बोले, फुल स्टॉप के बाद जब आप नया सेंटेंस बनाएंगे ना, आपको लिखना पड़ेगा फर्दर रिजॉल्व दैट. क्या लिखना पड़ेगा बताओ ना, समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? तो फुल स्टॉप के बाद लिखो. हाँ, उसी लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस लाइन में भी लिख सकते हैं, आप लाइन चेंज भी कर सकते हैं. बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन, लाइन चेंज कर देना ताकि एग्जामिनर को दिखाई दे कि देख, लाइन चेंज करके लिखो. अब नॉर्मल, हाँ क्या लिख रहा है, फर्दर, फर्दर तो जैसे नॉर्मल लिखो वैसे लिखो, और रिजॉल्व कैप्स लॉक में रखना, एफ कैपिटल फिर स्मॉल में लिखो, यू आर टी एच ई आर फर्दर हो गया, फिर आर ई एस ओ एल वी डी कैप्स लॉक, फिर टी एच ए टी स्मॉल लॉक, फर्दर, फर्दर जैसे लिखता वैसे लिखा, रिजॉल्व कैप्स लॉक में लिखा, फिर डैट जैसे लिखता फर्दर रिजॉल्व डैट. मिस्टर ए, हम लोग ए को कुछ बनाए नहीं थे ना ऊपर में, नहीं बनाए थे, हाँ पता है मेरे को. फर्दर इज ऑल दैट मिस्टर ए द कंपनी सेक्रेटरी, फर्दर इज ऑल दैट मिस्टर ए द कंपनी सेक्रेटरी इज हेयर बाय ऑथोराइज्ड, इज हेयर बाय ऑथोराइज्ड, इज हेयर बाय ऑथोराइज्ड, इज हेयर बाय, इज हेयर बाय ऑथोराइज्ड लिखा इज हेयर बाय ऑथोराइज टू सबमिट ऑल द नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अरे भाई, बैक का बहुत सारा फॉर्म डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है ना, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी वगैरह, कंप्लायंस सर्टिफिकेट वगैरह, सुने हो ना, लिखना नहीं है वो सब, खाली लिख देना है कि कंपनी सेक्रेटरी हेयर बाय ऑथोराइज टू सबमिट ऑल द necessary forms and documents with registrar of companies, with registrar of companies, with registrar of companies, full stop, inverted comma, अब जाकर के close हो जाएगा, close कर दो inverted comma, start किया था ना inverted comma, अब जाकर के close हो जाएगा. बच्चा लोग पहले ही close कर दिया है क्या, अभी close होगा. अब क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस है ना, आपको इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दो तीन बात लिख देना, मोड लिख देना बायबैक का, अरे मोड ऑफ बायबैक लिखना पड़ेगा ना, तो मोड ऑफ बायबैक लिख देना, ओपन ऑफर, मोड ऑफ बायबैक ओपन ऑफर है, समझ में आया. सोर्स लिख देना कि सोर्स कहां से आ रहा है, अरे रुपया कहां से आ रहा है, चोरी करके ला रहा है क्या, कि आइडल फंड लाइंग इन द बैंक, आइडल फंड लाइंग इन द बैंक, तो मोड लिख देना, सोर्स लिख देना, समझ में आया. रीजन लिख देना बायबैक हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई बैक, टू यूज आवर आइडल कैश एंड, टू यूज आवर आइडल कैश एंड टू, हाँ जो भी रीजन है आप लिख देना, टू यूज आवर आइडल कैश टू इंक्रीज अर्निंग पर, बहुत सारे रीजन होते हैं, इंक्रीज पर अर्निंग पर शेयर, टू इंक्रीज प्रमोटर का शेयर होल्डिंग, समझा रहा है, टू डाइल्यूट द, टू कंसंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल, कंसंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल. ओके लिखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एज पर
सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एसपर सेक्शन क्या लिखा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एसपर सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिख दिया लिखना चालू करो उसके अंदर पॉइंट नंबर ए द मोड ऑफ बाईबैक थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना द मोड ऑफ बाईबैक विल बी ओपन ऑफर द मोड ऑफ बाईबैक विल बी ओपन ऑफर द मोड ऑफ बाईबैक विल बी ओपन ऑफर लिख दे द मोड ऑफ बाईबैक विल बी क्या लिखा ओपन ऑफर पॉइंट नंबर बी द प्रोसीड्स ऑफ बाईबैक द प्रोसीड्स मतलब अमाउंट हा द प्रोसीड्स ऑफ बाईबैक विल बी आइडल फंड्स लाइंग इन कंपनीज द प्रोसीड्स ऑफ बाईबैक विल बी द आइडल फंड्स लाइंग इन आइडल फंड लाइंग इन कंपनीज करंट अकाउंट यहां पर कंपनीज ऐसे लिखना है कुछ बच्चा लोग आईईएस लिखा होगा हाथ उठाओ जिन लोग आईईएस लिखा है कंपनीज को वो कंपनीज एक्ट 2013 है वो मेरा है कि सारे कंपनीज का है वो एक्ट सारे कंपनीज का इसलिए आईईएस है और ये करंट अकाउंट क्या जगत करंट अकाउंट है सब कंपनी लोग का करंट अकाउंट है कि मेरा है सिंगुलर लाइंग इन कंपनीज करंट अकाउंट पॉइंट नंबर सी द मेन रीजन फॉर डूइंग बाईबैक इज द मेन रीजन फॉर डूइंग बाईबैक इज द मेन रीजन फॉर डूइंग बाईबैक इज to use the idle cash the main reason for doing buyback is to use the idle cash of company to use the idle cash of company theek hai main reason bata diya hum log ka main reason hai buyback karne ka to use the idle cash of company point number d mein likho the buyback price will be rupees 50 per share The buyback price will be rupees 50 per share, 50 rupees per share. The buyback price will be rupees 50 per share. The buyback price will be rupees 50 per share. Point number कौन सा? हाँ? Point number ही में लिखो. Buyback offer will start from. Buyback offer will start from. बायबैक ऑफर विल स्टार्ट फ्रॉम क्या तारीख को मीटिंग कर रहे हैं रे हाँ तो लिखो बायबैक ऑफर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st अगस्त बायबैक ऑफर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st अगस्त 2018 बायबैक ऑफर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st अगस्त 2018 एंड क्लोज ऑन अजी कितना दिन 30 दिन तक देते हैं ना तो तुम पूरा 30 दिन दो ना बायबैक ऑफर विल क्या लिखा स्टार्ट फ्रॉम 1st अगस्त 2018 एंड क्लोज ऑन 31st अगस्त
and close on 31st August 2018. Close on 31st August 2018. Full stop. Okay? So, देखो दोस्तों, ये आपका पूरा special witness हो गया. इसलिए special witness कितना लिखना चाहिए exam में? एक. क्योंकि उसके साथ बहुत सारा नौटंकी लिखना पड़ता है. समझ आया क्या बोले? समझे? लास्ट में ये सब जो नोटिस रहता है ना, यहां पर चेयरमैन का साइन रहता है ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. किसका साइन रहता है? चेयरमैन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड मीटिंग का जब नोटिस सिखाएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, बोर्ड मीटिंग का नोटिस, वहां कंपनी सेक्रेटरी का साइन रहता है. बोर्ड मीटिंग का नोटिस में किसका साइन रहता है? कंपनी सेक्रेटरी का साइन रहता है. समझ में आया? क्योंकि बोर्ड मीटिंग तो डायरेक्टर लोग का ही होता है ना, उन लोग खुद को ही नोटिस भेजेगा. तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस में किसका साइन रहता है? कंपनी सेक्रेटरी. जनरल मीटिंग का नोटिस में चेयरमैन ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखो कैसे रहेगा, देखो किस तरीके से रहेगा. दोस्तों आपका मान लो खत्म हो गया नोटिस, जहां भी खत्म हुआ ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन में आकर के राइट साइड में फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आप लोग अपना अपना साइन मारना, साइन कॉपी मत करना. फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपना अपना साइन मार दो और अपने आप को चेयरमैन ब्रैकेट में लिख दो. फॉर एंड बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपना साइन एंड चेयरमैन. अभी भी नोटिस खत्म नहीं हुआ. ओए बेशर्मो, नोटिस जब खत्म हो जाता है ना, नोटिस जब खत्म हो जाता है उसके बाद चार पॉइंट लिखा हुआ रहता है. फॉर्मल नोटिस यहां तक खत्म हो गया, उसके बाद चार ठो पॉइंट एडिशनल पॉइंट्स नोटिस में जाता है. हाँ, आपको लिखना पड़ेगा कि आप नहीं आओ तो प्रॉक्सी भेज देना, आप नहीं आओ तो प्रॉक्सी भेज देना. और यहां पर हम लोग ये भी लिख देते हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 102 हैज बीन एनेक्स्ड, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 102 हैज बीन एनेक्स्ड. फिर तीसरा बात हम लोग लिखते हैं ना कि अगर आप लोग का एड्रेस एड्रेस चेंज हो रहा है ना तो बता दीजिएगा. हे मेंबर्स, अगर आप अपना घर पता क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं तो बता दीजिएगा. समझ में आया? और चौथा बात हम लोग लिखते हैं कि हम लोग अपना रजिस्टर और मेंबर और शेयर ट्रांसफर बुक अगर क्लोज करेंगे तो कब से कब तक क्लोज करेंगे वो बताना पड़ता है. रजिस्टर और मेंबर एंड शेयर ट्रांसफर बुक कितना तारीख से कितना तारीख तक क्लोज करेंगे वो बताना पड़ता है. बताओ चार टू एडिशनल नोट्स, नोटिस में क्या क्या चीज जाता है. नोटिस विल कंटेन, यहां पर हम लोग को बताना पड़ेगा कि आप नहीं आओ तो किसको भेजना. अरे हम लिखवाएंगे रे बाबा, आप नहीं आओ तो किसको भेजना, प्रॉक्सी भेजना. एड्रेस चेंज होगा तो बता देना. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी, शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर हम लोग इतना तारीख से इतना तारीख तक क्या कर देंगे क्लोज. क्योंकि भैया हम लोग एजीएम में बिजी हैं, एजीएम के तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं. तो अब अगर हम लोग एजीएम के तैयारी में लगे हुए हैं तो नाम पलटाई फलटाई होने वाला, शेयर ट्रांसफर बुक और रजिस्टर मेंबर हम लोग बंद करके पटक देंगे क्योंकि हम लोग एजीएम में बिजी हैं. समझ आया? तो किस दिन से किस दिन तक क्लोज करेंगे वो बता देंगे. लिखो, जहां साइन वाइन कर दी हो ना, यहां साइन खत्म हुआ उसके नीचे नोट्स, नोट्स पॉइंट नंबर वन ऐसे लिखेंगे, नोटिस विल कंटेन ऐसे लिखेंगे. नोटिस ही लिख रहे हो तुम, ऐसे नहीं लिख सकता नोटिस विल कंटेन, तुमको सीधा लिखना है. लिखो पॉइंट नंबर वन, अ मेंबर इफ अनेबल टू अटेंड द मीटिंग a member if unable to attend the meeting can send a proxy on his behalf, can send a proxy on his behalf, can send a proxy on his behalf, can send a proxy on his behalf. Point number kaun sa? Point number 2. नंबर टू में लिखो, चेंज ऑफ एड्रेस इफ एनी, चेंज ऑफ एड्रेस इफ एनी,
change of address, if any, must be communicated. Change of address, if any, must be communicated by the member. Change of address, if any, must be communicated by the member. Point number, sir. Three million here. Explanatory statement. Explanatory statement. Explanatory statement. As per section 102 of Companies Act 2013 has been annexed. Explanatory statement as per section 102 of Companies Act 2013 has been annexed. Explanatory statement as per section 102 of Companies Act 2013 has been annexed. Has been annexed. Point number 4. Register of members and share transfer book. Register of members. Register of members and share transfer book. Register of members and share transfer book. Register of members and share transfer book will remain closed. Register of members and share transfer book will remain closed from. Arre, kya remain closed? Full stop. डेट तो बताना पड़ेगा. फ्रॉम, सुनो ना, मीटिंग कब है? हाँ, तो हम लोग उसी के आसपास बिजी रहेंगे ना. अरे बाबा, आज से क्लोज कर देंगे क्या कि मीटिंग के आसपास? लिख दो फ्रॉम 1st जून 2018 टू 15th जून 2018. मीटिंग के एक दिन बाद भी तो सब टायर्ड रहेंगे ना. 1st जून 2018 टू 15th जून 2018. ऐसे नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का. अच्छा, किसी को नहीं आता होगा ना तो डरना मत, उस समय आ जाएगा ना. ये रजिस्टर ऑफ मेंबर एक फाइनेंशियल ईयर में पता है कितना दिन मैक्सिमम क्लोज हो सकता है? एक फाइनेंशियल ईयर में आप रजिस्टर ऑफ मेंबर शेयर ट्रांसफर रुक ज्यादा से ज्यादा कितना दिन क्लोज कर सकते? हाँ, मैक्सिमम 45 डेज. 45 डेज में कंटिन्यूअसली कितना दिन क्लोज है? 30 डेज. टोटल 45 डेज वी कैन क्लोज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, बट नॉट मोर देन 30 डेज कंटिन्यूअसली. नहीं समझा? 15 दिन क्लोज कर सकते हैं एक बार में लगातार 15 दिन. फिर 15 दिन, फिर 15 दिन. क्या नहीं? अरे 15 15 15, 45 तो हुआ. फिर 15 दिन. No, टोटल 45 डेज. समझ में आया? बोलो. एक बार में 30 दिन क्लोज कर सकते हैं, फिर और एक बार 30 दिन, क्योंकि वो कितना हो जाएगा? 60. टोटल कितना लगातार? कितना? 30. पक्का? तो हम लोग तो खाली 15 दिन ही क्लोज किए हैं यार, ऐसा क्या बड़ा कर दिए? 1st जून, वेरी गुड सुपर निंजा. 1st जून 2018 टू कब तक? 15 जून 2018, फुल स्टॉप. ये 5 नंबर का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया नोटिस का, गो थ्रू कर लीजिए. यही सबसे बड़ा ड्राफ्टिंग है तुम्हारा, इसके बाद सब ड्राफ्टिंग छोटू छोटू है. अच्छे से गो थ्रू करो, 2 मिनट दे रहे हैं. आई एम गिविंग यू 2 मिनट, जस्ट गो थ्रू. गो थ्रू करने का एक्टिंग मत करो. सीएस वाला लोग ड्राफ्टिंग का एक अलग से कॉपी बना लेगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उन लोग को पूरा 100 नंबर का ड्राफ्टिंग के लिए जो है क्लासेस करना है, और इट कैन बी ट्रिकी. ड्राफ्टिंग कैन बी ट्रिकी. तो जब जो होमवर्क दिया जाए ना, उसे घबराना मत. चाहे गलत ही बना करके लाना, लेकिन बनाना, होमवर्क बना करके लाना. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं?
नहीं तो फिर क्या होगा, एग्जाम के एक दिन पहले मरोगे। कम से कम आप देखेंगे लास्ट में जब आपका कॉपी खत्म होगा ना ड्राफ्टिंग का, आपके कॉपी में कम से कम आपने लगभग 60-70 ड्राफ्टिंग कर चुका होगा खाली कॉपी में। मैट में अलग है, तो कॉपी में ही अकेला 60-70 ड्राफ्टिंग तुम्हारा हो चुका होगा और मैट का अलग, मतलब तुमको मिला करके टोटल लगभग करीब करीब 125-150 ड्राफ्टिंग जो है वो करना रहेगा, मजा आएगा। और सीएसएमए वाला लोग खाली फर्स्ट टू क्लासेस आएगा, उनके बाद फिनिश। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए जितना नॉलेज ले लो अच्छा है। तुम लोग जहां पर कंपनी का नाम लिखा था ना एमएल एमिरेट, एकदम टॉप पर जहां कंपनी का नाम क्या लिखा था, एमएल एमिरेट जहां लिखा था उसके ब्रैकेट में सिन लिख दो। सिन लिख करके नहीं आना तुमको, खाली सिन लिख देना। कितना डिजिट का होता है सिन टोटल? 21 इज करेक्ट। और उसका हर एक डिजिट कुछ ना कुछ इशारा करता है। सोशल वेलफेयर के लिए यूट्यूब में डाला हुआ है, यूट्यूब में पक्का देख लीजिएगा। जिन लोग देखा है वो मेरा YouTube वाला, जिन लोग वीडियो देखा है हाथ उठाओ। सिन का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर 2100 रिलायंस का समझाए थे फुल, एंड जिन लोग देखा है वेरी गुड, बहुत नॉलेज मिलता है। हाँ वेरी गुड। आई थिंक इट्स डन। क्वेश्चन नंबर टू हम होमवर्क देंगे, तुम लोग खाली क्वेश्चन लिख करके छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर टू, ड्राफ्ट नोटिस ऑफ ईजीएम। दो ही तो प्रकार का मीटिंग होता है ना, जनरल मीटिंग एजीएम या ईजीएम, नहीं सर क्लास मीटिंग भी तो होता है। अरे क्लास मीटिंग इज नथिंग बट ईजीएम, कैसे बच्चे हैं। तो ड्राफ्ट नोटिस ऑफ ईजीएम, अब सुनो, नोटिस ऑफ एजीएम आ जाता है ना, सिंपल है क्या? सिंपल है, बट उससे लाख गुना सिंपल बाद बाकी ड्राफ्टिंग है। और एग्जाम में मजा का बात है कि बाद बाकी ड्राफ्टिंग पहला दो क्वेश्चन के अलावा खाली रेजोल्यूशन जो है ना वो ज्यादा पॉपुलर है। मतलब नोटिस ऑफ एजीएम एग्जाम में पॉपुलर नहीं है, नोटिस ऑफ एजीएम एग्जाम में पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर क्या है? खाली रेजोल्यूशन। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर 3-4 मिनट्स। पॉपुलर नोटिस है कि रेजोल्यूशन है, तो उसके बारे में 3-4 मिनट बात करेंगे। अभी पहले सुनो, नोटिस ऑफ क्या आएगा? ईजीएम। बताओ अगर नोटिस ऑफ ईजीएम आएगा, सबसे पहले कंपनी का वो जो लेटर हेड था वो डिटेल रहेगा? फटाफट बताओ, डेट रहेगा? अब तो डेट तुम कुछ भी लिख सकता है रे बाबा, मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर ठंडा गर्म कुछ भी लिख सकता समझ में, बट वो 21 दिन का गैप जरूर रखना। जो डेट लिखेगा उसके 21 दिन पहले, जो नोटिस का डेट है उसके कम से कम 21 दिन बाद जो है वो रखना। और 21 दिन में भी 21 क्लियर डेज होता है ना रे बाबा, तो एग्जैक्टली 21 मत लिखना हे भगवान, क्योंकि डेट ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ मीटिंग बोथ आर एक्सक्लूडेड। पक्का ना? तो तुम यार एक महीना बाद का लिख देना ना, कैसा बच्चा है। 15 जून को रख रहा है नोटिस, तो मीटिंग कब रखेगा? 15 जुलाई। पक्का 15 जुलाई को रख रहा है नोटिस, तो मीटिंग कब रखेगा? 15 अगस्त मत रख देना बेटा। 15 अगस्त जो है ना, हम बताना भूल गए थे, देश आजाद हुआ था उस दिन, तो मीटिंग उस दिन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा है? नेशनल हॉलीडे को मीटिंग संडे हो सकता है, हाँ संडे हो सकता है, बट नेशनल हॉलीडे को नहीं हो सकता है। ठीक है, ओए नोटिस ऑफ एजीएम को सामने रखो और बताओ कैसे बोलोगे। हम सुनो हिंट दे दे रहे हैं, सुन लो दो हिंट दे रहे हैं, सब कुछ सेम रहेगा, खाली नंबर हटा देना, टेंथ वर्ड हटा देना और ऑर्डिनरी बिजनेस को पूरा साफ कर देना, खत्म। मेरा लेक्चर खत्म है, ईजीएम का नोटिस के ऊपर मेरा लेक्चर इज ओवर, माय लेक्चर ऑन ईजीएम नोटिस इज ओवर। जस्ट डोंट राइट द नंबर ऑफ ईजीएम एंड जस्ट डोंट राइट द ऑर्डिनरी बिजनेस, बिकॉज ऑर्डिनरी बिजनेस कैन बी ट्रांजैक्टेड ओनली इन एजीएम नॉट इन ईजीएम। ओके अब बताओ कैसे लिखोगे, एजीएम का नोटिस सामने रखो और बताओ कैसे लिखोगे। नोटिस इज हियरबाय गिवन, नोटिस इज हियरबाय
गिवेन डेट द नंबर नहीं, ईजीएम काउंट नहीं करते, ईजीएम तो कितना भी हो सकता है ना, नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एमएलए मेरिट विल बी हेल्ड ऑन 14 जून 2018 मंडे एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं हो सकता क्या? हो सकता है. एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस डैश एट 10 AM टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस. टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस में पॉइंट ए और पॉइंट बी कुछ मत लिखना, खाली स्पेशल बिजनेस. टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस में सीधा स्पेशल बिजनेस, और स्पेशल बिजनेस के अंदर पूरा छाप देना हो सब. टू कंसीडर एंड इट फिट टू पास विद विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. नहीं 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 हो सकता है. अरे स्पेशल बिजनेस में ऐसा और कुछ भी लग सकता है ना, फिर लिख देना उसके अंदर रिजॉल्व एट पर्सन टू सेक्शन 77, 70 जो भी है, रिजॉल्व एट पर्सन टू सेक्शन 68, 69, 70 जो भी सेक्शन है एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट जो है रेड विद द रूल्स मेड देयर अंडर. ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन और रीएनएक्टमेंट of the current law for the timing in force. Consent is hereby accorded. जो भी लिखना है वो लिख देना. अरे समझा क्या बोला जा रहा है, खाली क्या हटा देना है? हाँ नंबर हटा देना है, ऑर्डिनरी बिजनेस हटा देना, जस्ट रिमूव द नंबर एंड द ऑर्डिनरी. अब कुछ बच्चे जो है ओवर स्मार्ट रहते हैं, उन लोग होमवर्क करके नहीं आएंगे क्योंकि उन लोग समझते हैं कि बोलने दो, मतलब फाइनल में ही हो ना, हम क्लियर कर चुके हैं ना, लोगों को क्लियर करवा चुके हैं ना, तो मेरा बात मान लो. नहीं तो ड्राफ्टिंग जो है ना एग्जाम के एक दिन पहले जो है ना देख करके कैसे ही लगता है, इरिटेटिंग लगता है. बट अगर तुम वो खुद अपने हाथों से लिख रखा होगा ना, तुमको आधा रात में पानी फेंक करके उठाएंगे ना, तुम ड्राफ्टिंग लिख सकेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी लिख चुका है उसको. समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है? लिख दो ब्रैकेट में हिंट, ब्रैकेट में लिख दो हिंट. एग्जैक्टली सेम एज एजीएम, exactly same as AGM. Hint लिख दो exactly same as AGM. But don't write the number. ए number समझ में आता है ना? But don't write the number and OB. Don't write the number and OB. What is OB? पन्ना ना मत छोड़ो, जब करोगे तब कर लेना ना, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना छोड़ दो, वो सब नहीं बताएंगे. हाँ छोड़ना ही बेटर है, इससे तुम्हारा पाप का एहसास रहेगा कि करना है. क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन 3. और जो पन्ना में लिख रहे हैं वो क्या पन्ना छोड़ेंगे? क्वेश्चन 3. एग्जाम में पॉपुलर क्या पता है? एग्जाम में पॉपुलर है तुमको एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने दे देता है, कोई भी रेजोल्यूशन जो लॉ मेकर्स कमन, कोई फिक्स नहीं है. कभी बोल देगा रेजोल्यूशन ऑन बायबैक ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन बायबैक, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन चेंज ऑफ नेम. अरे भैया 470 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसमें से कुछ भी एक मैटर दे देगा और बोलेगा इसके ऊपर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके दिखा. तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बाय बैक, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन चेंज ऑफ नेम, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन परमिशन टू बी ग्रांटेड बाय द शेयर होल्डर्स सो दैट द प्रेजेंट बोरिंग एंड प्रपोज बोरिंग कैन एक्सीड द पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व. आपको तो पता ही है ना जितना बोरिंग कर चुके हैं और जो बोरिंग करने हैं, प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग, अगर मेरा पेड अप शेयर कैपिटल और फ्रीज अप को क्या कर जाएगा? क्रॉस. मेरा प्रेजेंट बोरिंग, मेरा प्रपोज बोरिंग, मेरा प्रेजेंट बोरिंग, मेरा प्रपोज बोरिंग अगर पेड अप शेयर कैपिटल और फ्रीज अप को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा. प्रेजेंट बोरिंग एंड प्रपोज बोरिंग इफ क्रॉसेस द पेड अप शेयर कैपिटल एंड, तो एस आर इन जीएम पास करना पड़ता है. 186 जो बोल रहा है वो गांजा ले रखा है. वो 186 जो था ना वो बोरोइंग नहीं था, वो लोन देना था, वो LIGS था, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, वो तो सीलिंग लिमिट वाला था. ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये आपके लिए टू मच हो गया. वो लोन हम ले नहीं रहे थे उस समय. 186 में कंपनी लोन लेता नहीं है, देता है. और अभी बोरिंग का बात हो रहा है, बोरिंग मतलब लोन लेना. तो नॉर्मली बोरिंग कौन करता है? डायरेक्टर लोग करता है ना. बट डायरेक्टर लोग इतना ज्यादा भी बोरिंग नहीं कर सकता ना कि पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ फ्रीज अभी क्रॉस हो जाए जो बोरिंग कर चुके हैं और जो बोरिंग करने हैं.
वाले बाप रे इतना बोरिंग कर लेंगे कि फेडरल सर्कल डिक्रीज और क्रॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं नियम पास करना पड़ता है। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑन द, बहुत बड़ा हिंट दे दिया हम, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड सेक्शन 180 जिन लोग बोल रहा है बिल्कुल सही है, किन लोग बोला 180 या बोलने के बाद याद आ गया, हाँ 179 में पावर्स ऑफ द बोर्ड था उसका रेस्ट्रिक्शन 180 फुल एंड 180 वेरी गुड। नहीं याद आया तो सेक्शन नंबर नहीं लिखेगा तो ना? अच्छा सर ये भी अगर नहीं याद आए कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है कि स्पेशल, तब जीरो मिलेगा तुमको अगर यही नहीं पता कि ओआर पास होना है कि एसआर पास होना है कि बीआर पास होना है, ओआर एसआर बीआर यूबीआर, हे भगवान ओआर चार ही तो रेजोल्यूशन है बेटा, ओआर एसआर बीआर यूबीआर, तुमको यही नहीं पता तब तो फिर जीरो मिलेगा, मतलब क्या क्या नहीं तो नंबर क्या चीज का दे तुमको, सेक्शन नहीं याद हो इंस्टीट्यूट उतना तुमको एग्जामिनेशन दे रखा, रेजोल्यूशन भी याद नहीं आ रहा है, मीटिंग भी याद नहीं आ रहा है, तो लिखेगा क्या भाई तुम नॉनसेंस, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी को डुबा रहेगा, बताओ रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड सेक्शन 180 ना, मेरे को तो सबसेक्शन भी याद है क्लॉज नंबर भी याद है, नो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, वो तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट जरूर था बट वो सबसेक्शन 3 नहीं है, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 का तीसरा पॉइंट यानी क्लॉज नंबर है वो सी, समझ में आया, तुम लोग इतना रिस्क लोगे सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी भी लिख करके आओगे, हाँ नहीं सर क्या सर सेक्शन 180 याद नहीं आ रहा है लोगों को, तो ये सब रेजोल्यूशन आता है। मान लो तुमको एक क्वेश्चन आया ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन ऑन बायबैक, ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन ऑन बायबैक 180 जो बोल रहे हो गांजा लेकर के आया है, अरे अभी अभी थोड़ा देर पहले हुआ था, कैमरामैन से पूछेंगे वो बता देंगे, ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन ऑन बायबैक भैया एप्लीकेबल प्रोविजन जिंदाबाद। अब जब रेजोल्यूशन ऑन बायबैक आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों जब रेजोल्यूशन बायबैक आएगा ना, बहुत ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, तुम सीधा रिजॉल्व डेट से स्टार्ट कर देगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जैसे वो नोटिस में जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में, अरे क्वेश्चन 1 में जाओ ना, वहां देखो रिजॉल्व डेट से था ना, क्या था बताओ, रिजॉल्व डेट परसुएंट टू ब्ला 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 ब्ला, ऐसे चलते जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पॉइंट नंबर 5 था ना, लास्ट देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहां खत्म हुआ था, पॉइंट 5 का लास्ट वर्ड बता क्या था, अरे लास्ट वर्ड बताना, पॉइंट नंबर 5 का आखिरी शब्द क्या लिखा हुआ है 2018, नहीं समझा हम क्या बोलना चाह रहे, समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे, हाँ तुम लोग ब्रैकेट लगाओ, रिजॉल्व से ब्रैकेट लगाओ, कहां सर कहां ब्रैकेट लगाए सर, तुम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, अरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, ऐसे ऐसे बच्चे हैं ब्रैकेट लगाने बोले ना, तुम लोग एक नया आंसर लिख रहे हैं, वहां रिजॉल्व लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आओ ना, क्वेश्चन 1 में आया वहां मिला स्पेशल बिजनेस के अंदर क्या लिखा हुआ, टू कंसीडर एंड इफ टॉट पेड टू पास विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है ना, बोलो वहां रिजॉल्व डेट से ब्रैकेट लगा, अरे रिजॉल्व डेट से ब्रैकेट लगाया क्या, बोलना लास्ट तक ब्रैकेट लगाओ, 0.5 2018 तक लगाया, हाँ अब एक बार क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन ऑन बायबैक, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन ऑन बायबैक, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर है रेजोल्यूशन का ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन ऑन बायबैक, 4 नंबर का दे दिया तुमको ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन ऑन बायबैक, अब तुम एग्जाम में आंसर कैसे लिखेगा, ये रहा तुम्हारा आंसर, लिखना चालू कर दो आंसर, रेजोल्यूशन ऑफ बायबैक
थोड़ा मुंह खोलो और बताओ, टाइप ऑफ मीटिंग बताओ, जनरल मीटिंग की बोर्ड मीटिंग? थोड़ा मुश्किल है बट बताओ। एक बच्चा बोलेगा हाँ, एक बच्चा अब यहां पर आंसर लिखना चालू कर देगा, देर आर टू टाइप्स ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, बोर्ड मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। खुला छोड़ने का दरकार है उसको, वो थ्योरी से बाहर ही नहीं निकल सका है, वो थ्योरी के अंदर ही है। टाइम ऑफ मीटिंग, अरे नॉनसेंस बच्चों मेरे, बाईबैक कहां होगा जनरल मीटिंग में ना, अपने तो 15% वाला बाईबैक करेंगे, 10% वाला करते तब क्या लिखते, बोर्ड मीटिंग। टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग। टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, क्या यहां जरूरी है स्पेशल रेजोल्यूशन होगा? नहीं 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 नहीं, हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन होगा कि ऑर्डिनेशन भी हो सकता है? जैसे आंसर लिखेंगे एग्जाम में हम वैसे लिखवा रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ बाई बैक, टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन। डन है क्या? और फिर बताओ तो कैसे स्टार्ट कर देगा, बताओ तो बताओ। हाँ, थोड़ा अवे फ्रॉम द मार्जिन स्टार्ट करना, रिजॉल्व कैप्स लॉक में, रिजॉल्व डैट लिख दो, रिजॉल्व डैट लिखा। ऐसे लिखो, ब्रैकेटेड पोर्शन ऑफ क्वेश्चन वन, फुल स्टॉप, खत्म हो गया, बहुत ही छोटा रेजोल्यूशन था, ब्रैकेटेड पोर्शन ऑफ क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन में जो ब्रैकेट लगवाए ना, लगवाए तो वो लिख देना है, मतलब रिजॉल्व डैट उसके आगे जो भी लिखा हो। समझ में आया क्या हुआ? अब एक बारीकी चीज देखो, अच्छा ये सब बोलने का दरकार है क्या मेरा? हम बोल दिया कंप्लीट हो, ठीक है। अब ये क्या तुमको इस उम्र में बताना पड़ेगा कि लास्ट में चेयरमैन का साइन रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलो, नहीं रहेगा। कैसे बच्चे हैं, मजा का बात देखो, यहां पर कोई साइन नहीं रहेगा, कोई डेट नहीं रहेगा, कोई लेटर हेड भी नहीं रहेगा, नथिंग नथिंग एट ऑल, नो लेटर हेड, नो साइन, नो डेट, नथिंग, कुछ नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों? हाँ, रेजोल्यूशन जो रहता है ना, उसका खुद का अकेला कोई अस्तित्व नहीं रहता, रेजोल्यूशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ नोटिस और मिनट्स, करना है तो नोटिस, कर चुके हैं मिनट्स, तो रेजोल्यूशन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, इट इज इम्बॉडीड, समाया हिंदी वर्ड है, इट इज इम्बॉडीड इन द नोटिस इटसेल्फ और द मिनट्स इटसेल्फ। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? तो अगर कल को तुम रेजोल्यूशन में डेट और साइन लेकर के आ गया ना, आंसर में तुमको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, मतलब मार्क्स कटेगा। क्लियर? बोलो, डेट रहेगा, साइन, कृपया करके ये बात लिख दीजिए, नहीं तो आपके अंदर जो खिलाड़ी भैया है वो एग्जाम में पक्का डेट साइन वगैरह करके आएगा। रेजोल्यूशन विल नॉट कंटेन सिग्नेचर डेट लेटर हेड, रेजोल्यूशन विल नॉट कंटेन सिग्नेचर डेट लेटर हेड। समझे? अब दोस्तों, कुछ बच्चे जो ऑफिस गोअर्स रहेंगे उन लोग बोलेंगे, सर पता है बैंक वाला लोग जब रेजोल्यूशन मांगता है ना, तो सर पता है बैंक वाला लोग रेजोल्यूशन जो मांगता है ना, उन लोग ना लेटर हेड पे मांगता है और फिर डायरेक्टर का साइन भी करवा लेता है, क्योंकि वो उन लोग जो है ना रेजोल्यूशन को ऑथेंटिकेट करवाना चाहता है कि सही है कि नहीं है। उन लोग तो आधार कार्ड भी हम लोग साइन करवाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग आधार कार्ड पे साइन करते फिरे। अब समझ नहीं रहे क्या बोला जा रहा है? अरे क्या बोला जा रहा है, बुद्धि में लगाओ। आज हम अगर एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे ना, तो उन लोग मेरे से रेजोल्यूशन मांगेगा ना, तो रेजोल्यूशन का जो हम उसको एक्सट्रैक्ट देंगे, मेरा जो नोटिस में से रेजोल्यूशन का जो, उन लोग बोलेगा सर ये रेजोल्यूशन में साइन करिए और सर ये ना अपने लेटर हेड पे प्रिंट निकाल करके दीजिएगा, क्योंकि उन लोग को क्या चाहिए,
ऑथेंटिकेशन, समझ आ रहा क्या बोला जा रहा है? वो तो उन लोग मेरे से कोई भी डॉक्यूमेंट लेता है उस पर साइन करवाता है, समझ में आया क्या बोला गया? इसका ये मतलब नहीं है ना कि आधार कार्ड पे हम लोग अपना साइन मारना चालू करते हैं, या कोई भी, या मान लो उन लोग पासपोर्ट भी लेता ना जीरोक्स, उसमें भी क्या मरवाता साइन, तो तुम अपना पासपोर्ट में फिर से साइन मारना चालू कर देगा क्या? आधार कार्ड में फिर से साइन मारना चालू कर देगा तो इनवैलिड हो जाएगा, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन पासपोर्ट एंड आधार। समझ में आ गया सर? अभी सुनो, अभी भी कुछ बच्चा लोग को पच नहीं रहा है, नहीं सर बिना डेट साइन के सर मजा नहीं आया सर, कैसे बच्चे हैं इन लोग, पच गया क्या? हाँ अच्छा, बचपन रेजोल्यूशन यू नीड टू अंडरस्टैंड, उसका खुद का कोई औकात नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ नोटिस और इट इज अ पार्ट ऑफ द मिनट्स। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम शुरू करो, रेजोल्यूशन पास करने का काम ऐसा नहीं होता, वो नोटिस के अंदर ही रहेगा या फिर मिनट्स के अंदर ही रहेगा। अब तुमको खाली बोल रहा है एग्जामिनर कि हमको पूरा नोटिस मत बनाओ, हमको पूरा मिनट्स मत बना करके दो, उतना समय नहीं है तुम्हारे पास, खाली मेरे को रेजोल्यूशन जो है वो कैसे ड्राफ्ट होता है वो करके दिखाओ, तो तुम खाली वो रेजोल्यूशन का एक्सट्रैक्ट उसको पास करके दिखा रहे, समझा क्या बोला जा रहा है? बचपन में ह्यूमन हार्ट बनाने आता था, अरे बचपन में क्या क्या नहीं बनाया तुम लोग, आंख, अरे ह्यूमन आई वगैरह बनाया, हार्ट बनाया, ह्यूमन हार्ट। हाँ तो जब हम लोग बचपन में ह्यूमन हार्ट बनाते थे, तुमको याद है आर्टरी वेसल सब बनाते थे उसमें, और अभी तो ऐसा बनाते हैं दो रहता है कि एक रहता है, अरे ये जो तीर रहता है दो तरफ है कि एक तरफ, दोनों का है तो दोनों तरफ। तो जब बचपन में तुम ह्यूमन हार्ट बनाता था, अरे ऐसा नहीं, जैसे भी बनाता तो बनाता था ना, हाँ तो हार्ट जब बनाने आता था खाली हार्ट बनाता था नहीं ना, पूरा बॉडी बना करके आता था ना, जब बोलता था ह्यूमन हार्ट बनाओ तो हार्ट बनाता था ना कि पूरा बॉडी बना देता था। ये लेफ्ट है, ये पूरा बनाता था कि खाली दिल बनाता था, खाली हार्ट बनाता था ना। अब इसका ये मतलब क्या ये हुआ कि हार्ट का अलग औकात है, निकाल करके रख दो बाहर देखते हैं। तो वैसे ही ये पूरा नोटिस के अंदर तुमको रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने बोला जा रहा है, तो तुम खाली रेजोल्यूशन बना, ए भाई उसमें तुमको उसका आंख नाक मुंह कान एटसेट्रा बनाने का दरकार नहीं है, मतलब डेट साइन करने का दरकार नहीं। समझ गए सर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4, अभी मेरे बच्चे एक रेजोल्यूशन खुद से ड्राफ्ट करना चाहेंगे, चलो आओ देखते हैं, पहले ओरली डिस्कस करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन ऑन ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन ऑन ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फुल स्टॉप। तुमको खाली रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने बोला, पहले तो मेरे को बताओ टाइप ऑफ मीटिंग क्या होगा, आप हेडिंग लिख दीजिएगा रेजोल्यूशन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रेजोल्यूशन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन ऑल्टरेशन के लिए क्या चाहिए रहता है ऑल्टरेशन, समझ में आया? अब क्या होता है ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन में अब कुछ बच्चा लोग पता है सेक्शन भी याद है कुछ बच्चा लोग ऑल्टरेशन का, हाँ 61, तो कुछ बच्चा लोग क्या करेगा रिजॉल्व एट पर्सुएंट टू सेक्शन, यहां तक तो तुम लोग खुद से लिख सकेगा रिजॉल्व एट पर्सुएंट टू सेक्शन 61 एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द रूल्स मेड देयर अंडर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन और रीएनएक्टमेंट ऑफ द करंट लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स ब्रैकेट लॉस, उसके तक लिखेगा। हाँ कंसेंट भी लिख देगा तुम लोग, हाँ सॉरी कंसेंट भी लिख देगा, कंसेंट इज हेयर बाई अकॉर्डेड टू ऑल्टर द शेयर कैपिटल, ऑल्टर द शेयर कैपिटल, एक साथ कंसोलिडेशन भी होगा, सब डिविजन भी होगा, इंक्रीजिंग द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी सब हो जाएगा। अरे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर तो कंसोलिडेशन भी है, सब डिविजन भी है, इंक्रीजिंग द ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी है, कैंसिलिंग द शेयर्स अनसच नॉट पेड अप अनसच वो भी है, कन्वर्टिंग शेयर्स इनटू स्टॉक, तुम लोग सब कर देगा क्या? तो एग्जामिनर तुमको बोला ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अब तुम क्या लिख करके आएगा गूगल की तरफ, बताए कंसेंट इज हेयर बाय गिवेन अकॉर्डेड ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सब कुछ एक बार में करेंगे,
कंसोलिडेट भी करेंगे और इसी में उसी समय सब डिवाइड भी कर देंगे। तुमको एक तो लिखना पड़ेगा ना पर्टिकुलरली, तुम ऐसे नहीं लिख सकता ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मान लो हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डिंग टू इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझ में आया, फ्रॉम रुपीज 50 लाख टू रुपीज 100 लाख। बुद्धि में जा रहा है क्या बोला जा रहा है? अरे समझा कि नहीं समझा? फिर फर्दर इज ऑल डेट, हम लोग क्यों इंक्रीज कर रहे हैं वो सब लिख देना, ताकि हम लोग फर्दर इशू क्या ला सके, शेयर टू फाइनेंस आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट ए। अरे क्यों ऑथोराइज इंक्रीज कर रहे हैं? टू कम आउट विद फर्दर इशू ऑफ शेयर टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट ए। ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दो तीन थो लिख देना। ओके सुनो, ये खुद से ही लिखना है तुमको, तुमको अभी ये खुद से ही लिखना है मेरे सामने। पहले तुम बताओ मेरे को, पहले तुम मेरे को बताओ क्या लिखोगे। रेजोल्यूशन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल लिखना बंद करो अभी। रेजोल्यूशन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ मीटिंग जनरली, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन ऑर्डिनेशन। फिर क्या लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिजोल्व कैप्स लॉक में लिखोगे, रिजोल्व एट परसुएंट टू सेक्शन 61, रिजोल्व एट परसुएंट टू सेक्शन 61 एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2008 विद द रूल्स मेड देयर अंडर, इन ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग एनी मॉडिफिकेशन और रीएनएक्टमेंट ऑफ द करंट लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ब्रैकेट क्लोज। कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड टू इंक्रीज, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड टू इंक्रीज द ऑथोराइज, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड टू इंक्रीज द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, टू इंक्रीज द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी फ्रॉम रुपीज 50 लाख टू रुपीज 100 लाख। लाख अच्छा नहीं लग रहा, फ्रॉम रुपीज 50 करोड़ टू रुपीज 100 करोड़, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना फर्दर, तुम सुनो ना, अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ठीक है? इसके लिए भी तो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना पड़ता है ना, तो तुम वही लिखना फर्दर रिजॉल्व दैट मिस्टर एक्स द कंपनी सेक्रेटरी, फर्दर रिजॉल्व दैट मिस्टर एक्स द, कोई भी नाम लिख देना, फर्दर रिजॉल्व दैट मिस्टर एक्स द कंपनी सेक्रेटरी इज हेयर बाय ऑथोराइज, फर्दर रिजॉल्व दैट कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर एक्स इज हेयर बाय ऑथोराइज टू सबमिट ऑल द नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्टर ऑफ कंपनी, फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज। हो गया, अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 102, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 102। बता देना तुम पॉइंट नंबर 1, 2, 3 करके, पॉइंट नंबर 1 द पर्पस, पॉइंट नंबर 1 द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज टू कम आउट विद फर्दर इश्यू ऑफ शेयर टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट ए। समझाया क्या बोला जा रहा है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिख देना कि शेयर्स पहले कितना था और अभी कितना हो जाएगा। सर वो तो लिख चुके, नहीं तुम अमाउंट लिखा था 50 करोड़ से 100 करोड़। पॉइंट नंबर 2 में आप नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 5 करोड़, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 5 करोड़ ऑफ रुपीज 10 ईच। अरे तभी ना 50 करोड़ था, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 5 करोड़ ऑफ रुपीज 10 ईच विल बी इंक्रीज, इंक्रीज टू 10 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा है? ओके, अरे श्योर, वेरी श्योर, बस इसमें और कुछ लिखने का दरकार नहीं है, फुल स्टॉप। 4 में 4 ड्राफ्टिंग में फुल मार्क्स देता है इन लोग, कोई थ्योरी में इन लोग फुल मार्क्स नहीं देता एक्सेप्ट द ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग में आपका फुल नंबर आ सकता है। अब सीएस वाला बच्चा भी होता तो 100 में 100 आ जाएगा, 100 नंबर का ड्राफ्टिंग में 100 नंबर का ड्राफ्टिंग थोड़ी ना आएगा, 100 नंबर का ड्राफ्टिंग में है तो सीएस इंस्टीट्यूट थ्योरी का दीवाना, तो 100 नंबर का ड्राफ्टिंग का पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30-35-40 नंबर का ड्राफ्टिंग देता है, 60 नंबर का थ्योरी रहता है, वो थ्योरी कंपनी तक का रहता है। नहीं समझा क्या बोले? तो रहेगा तो 30-40 नंबर का प्रैक्टिकल। चलो चालू करो, ये खुद से लिखेंगे क्या, हम डिक्टेट कर दें? बोलो तो खुद से करके दिखाओ, 5 मिनट दे रहे हैं, घड़ी देख करके 5 मिनट।
आई थिंक इट्स डन. क्या बोल रहे हो? डन ना? 5 मिनट हो गया. फटाफट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5. क्वेश्चन 5 में लिखी है. क्वेश्चन 4 डन है ना? देखें एक स्टूडेंट क्या लिखा है, हम उसका पढ़ रहे हैं, आप अपना चेक कर लीजिए. सबसे पहले उसने टाइप ऑफ मीटिंग लिखा है, जनरल मीटिंग. टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अरे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में तो ऑर्डिनेशन होगा ना, यही अगर गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगा रे बाबा. फिर देखो ये रिजॉल्वर लिखा है, रिजॉल्वर, रिवॉल्वर ही लिख देता. रिजॉल्व कैप्स लॉक में होगा, रिजॉल्व एट परसुएंट टू सेक्शन 61 लिखा है ना, एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन रिजल्ट एट पर्सनल सेक्शन 61 अदर एप्लीकेबल प्रोविजन कंपनी एक्ट 2013. ये गांजा वाला बच्चा क्या किया है? एक्ट का ए स्मॉल लिखा है, कट करके फेंक दिया जाएगा आंसर. एक्ट का ए क्या रहेगा? कैप्स कैपिटल. अरे कंपनीज एक्ट में एक्ट का ए क्या रहेगा? कैपिटल. किन लोग स्मॉल लिखा है? थोड़ा फुल एंड सेम शेम. ठीक से लिखो, रिजल्ट एट पर्सनल टू सेक्शन 61 Another applicable provisions of Companies Act 2013 read with the rules made there under bracket mein including any modification or reenactment in the current law for the time in force bracket close. Consent is hereby accorded to increase authorized share capital of the company from rupees 50 crore to rupees 100 crores. Full stop. Aap log likhe aise. Fir further resolved that. Acha apna naam likha hai ye. Further resolved that Mr. Panda, the company secretary, naam hai iska. Further resolved that Mr. Panda, the company secretary, is hereby authorized to submit all the necessary forms and documents with registrar of company. Sahi hai kya? Phir last mein inverted comma close karna bhool gaya. Iska chalte hi jayega. Close kar diye kya? Phir explanatory statement as per next line. Explanatory statement as per section 102 of Companies Act 2013. Point number one, the purpose of increasing the authorized share capital, the purpose of increasing the authorized share capital is to finance the project, is to finance the project A by fresh issue of shares, theek hai, by further issue of shares. Likhe ho na aisa? Point number two, number of share ka breakup de do, number of share ka breakup de do. Kya likha? Number of shares will be increased. Number of shares will be increased from 5 crore shares of rupees 10 each. Number of shares will be increased from 5 crore shares of rupees 10 each to 10 crore shares of rupees 10 each. 5 crore shares of rupees 10 each to 10 crore shares of rupees 10 each. आपका इंस्टीट्यूट का किताब में तो explanatory statement है ही नहीं. हम कम से कम explanatory statement लिखवा रहे हैं ना, इंस्टीट्यूट का किताब में explanatory statement रहता ही नहीं है. बट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो आप करके दिखाइएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा?
बोलो क्वेश्चन फाइव में लिखो ड्राफ्ट और रेजोल्यूशन ड्राफ्ट और रेजोल्यूशन टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है क्या पास होगा बताओ ORNGM ना तो फटाफट लिख दो टाइप ऑफ मीटिंग अभी हेडिंग फेडिंग छोड़ो फटाफट यहां पर लिख दो टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग टाइप ऑफ मीटिंग टाइप ऑफ रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हाँ सेक्शन बता सकोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 149 बिल्कुल सही है अच्छा 149 भी है अच्छा 149 के साथ अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन 149 भी है और 152 भी तो है ना 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर 149 में इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो 152 में लिखा हुआ है समझ में आया लिखना चालू करो इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिख रहे हो अच्छा पहले ये सब लिख दिया टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग टाइप ऑफ रेजोल्यूशन क्या लिखा ऑर्डिनेंस को लिखवाना फटाफट लिखा अब लिखो क्या लिखोगे रिजॉल्व डेट परसुएंट टू सेक्शन रिजॉल्व डेट परसुएंट टू सेक्शन बताओ 149 कॉमा 152 फिर पूरा जैसे लिखते हो लिख दो लास्ट तक अरे बार बार देखना क्यों पड़ रहा है कैसे बच्चे हैं रिजॉल्व एट पर्सन टू सेक्शन 149, 152 एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द रूल्स मेड देयर अंडर रेड विद द रूल्स मेड देयर अंडर Read with the rules made there under bracket में क्या लिखोगे including any modification or reenactment of the current law for the timing in force including any modification or reenactment of the current law for the timing in force bracket close थोड़ा आप अलग लैंग्वेज लिखवाते हैं बार बार कंसेंट इज हियर बाय अकॉर्डेड कंसेंट इज हियर बाय अकॉर्डेड नहीं वो भी लिख सकते हैं बट सीधा डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना कि मिस्टर एक्स हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप अभी मत लिखो रुक जाओ उसमें और तामझाम होगा अब समझ रहे हैं दो तरीका या तो कंसेंट इज हियर बाय कंसेंट इज हियर बाय अकॉर्डेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ओए लिखना मत देखो इधर कंसेंट इज हियर बाय अकॉर्डेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर सीधा Mr. X has been appointed as independent director. समझ में आया? कहां तक लिखा ब्रैकेट तक लिख दिया ना ब्रैकेट के बाद लिखो Mr. X having Mr. X having I Mr. X having what? Din. Mr. X having din dash Mr. X having din dash. Be hereby appointed as. Be hereby appointed as. Be hereby appointed as an independent director. Hereby appointed as. Mr. X having din dash be hereby appointed as an independent director in accordance with the terms and conditions of schedule 4 आपको तो पता होना चाहिए independent director का schedule number कौन सा था 4 उसमें उसका code of conduct वगैरह लिखा हुआ है be hereby appointed as an independent director in accordance with the terms and conditions
independent director in accordance with the, in accordance with the terms and conditions, in accordance with the terms and conditions of Schedule 4. In accordance with the terms and conditions of Schedule 4. 4 kaise likha hai? Roman 4 likha hai to? In accordance with the terms and conditions of Schedule 4. अभी फुल स्टॉप नहीं, क्या लिखा? मिस्टर एक्स हैविंग डन सच एंड सच, मतलब डैश, बी हियरबाय अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन शेड्यूल 4 एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैंडिडेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैंडिडेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैंडिडेचर proposed in writing by the member dash and on the basis of his candidature proposed in writing by the member dash. आपको तो पता कोई member propose किया होगा तभी ना हम लोग इसको रख रहे हैं. अरे written notice देता है ना member लोग, इसको बनाओ. On the basis of क्या लिखा? Candidature proposed in writing by the member dash. Full stop. Next line में लिखो further resolved that. Further resolved that his appointment will be valid for maximum कितना साल के लिए appoint कर सकते हैं independent director को, कोई बता सकता है क्या? 5 साल. Further resolved that his appointment will be valid for a term of 5 years. His appointment will be valid for a term of 5 years. His appointment will be valid for a term of 5 years from dash date to dash date. From dash date to dash date. Samajh mein aaya? Is din se lekar ke is din tak. Matlab kitna saal? 5 saal. From dash date to dash date. Full stop. Next line mein likho further resolve that. नेक्स्ट लाइन में वापस से लिखना पड़ता है बेटा. जब भी हम लोग सेंटेंस चेंज करेंगे क्या लिखना पड़ेगा? फर्दर रिजॉल्व दैट हिज रेमुनरेशन विल बी रुपीज 1 lakh पर मंथ. Further resolved that his remuneration will be rupees 1 lakh per month. Further resolved that his remuneration will be rupees 1 lakh per month. Full stop. Next line. Further resolved that. अरे इन लोग का भी तो पेपर वर्क करना पड़ता है ना. कोई बताओ इन लोग को कौन सा फॉर्म जमा करना पड़ेगा आरओसी के पास? DI-2 along with 12 ना. कैसे बच्चे हैं रे बाबा. तो वो सब कौन जमा करेगा? CS. क्या लिखा? फर्दर रिजॉल्व दैट. अपना अपना नाम लिख दो. कंपनी सेक्रेटरी. फर्दर रिजॉल्व दैट डैश कंपनी सेक्रेटरी. फर्दर रिजॉल्व दैट डैश कंपनी सेक्रेटरी इज हेयर बाय ऑथोराइज्ड टू सबमिट. लिख दो ऑल नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ऑल नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ऑल नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फुल स्टॉप. अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का दरकार नहीं है. ये समझ में आ रहा है? बढ़िया. क्योंकि आपने सब कुछ क्या लिख दिया? फर्दर रिजॉल्व दैट करके लिख दिया. समझे क्या? और कोई आप नोटिस को ड्राफ्ट कर नहीं रहे कि नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी. आप तो खाली क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं? रेजोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन 6 में लिखो. सीधा हेडिंग लिख दो. क्वेश्चन नंबर 6 लिखा ना, हेडिंग लिखो रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग बीओडी. Resolution authorizing BOD. Resolution authorizing BOD to borrow
लोन्स, रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग बीओडी टू बोरो लोन्स। अब देखो अगर एग्जाम में क्या घुमा करके क्वेश्चन दिया तुमको, बोला ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग बीओडी, हु विल बी ऑथोराइजिंग बीओडी? शेयर होल्डर्स। अगर बोल रहा है बीओडी को ऑथोराइज करो तो कौन ऑथोराइज कर रहा है? शेयर होल्डर टू बोरो द लोन, मतलब ये लोन पक्का पेड शेयर कैपिटल फ्रीज अप से ज्यादा है, तभी तो नौबत आ रहा है ना रेजोल्यूशन पास करने का, बीओडी को ऑथोराइज करने का नौबत क्यों है? क्योंकि ये पक्का ज्यादा है। समझ में नहीं आया क्या बोले? टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग होगा कि बोर्ड मीटिंग? जनरल मीटिंग। समझ में आया? जनरल मीटिंग में वी आर ऑथोराइजिंग इन जनरल मीटिंग। होम आर वी ऑथोराइजिंग बीओडी, बट सच ऑथोराइजेशन इज रिक्वायर्ड इन विच मीटिंग और कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल सेक्शन नंबर समझ में आ गया कौन सा? 180 वाला, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। लिख दो टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग, टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन। लिखना चालू कर दो। रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू क्या लिखा? पर्सुएंट टू सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अरे अभी तो पूरा लिखेंगे ना। रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। और एग्जैक्टली अगर एग्जाम में आ गया तो लॉटरी आना तुम्हारे। सर एग्जैक्टली ये क्यों नहीं, ये थोड़ी ना आ जाएगा? हाँ एग्जैक्टली आता है, ये सब जो रेजोल्यूशन हम लिखवा रहे हैं ये सब एग्जैक्ट आता है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी एंड पूरा लिख दो पूरा। एंड अब तो बिना देखे लिखो बेसरमो। एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन, एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रेड विद द रूल्स मेड देयर अंडर। क्या लिखा? रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी and any other applicable provision of Companies Act 2013 read with the rules made there under, bracket में क्या लिखोगे? including any modification or reenactment of the current law for the timing in force, including any modification or reenactment of the current law for the timing in force, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखो कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड, कंसेंट इज हेयर बाय अकॉर्डेड to the borrowing of loan to the borrowing of loan made by the board of directors on behalf of company, made by the board of directors on behalf of company comma exceeding paid up share capital and free reserves of company, exceeding paid up share capital and free reserves of company by rupees 20 crores। मतलब हम परमिशन हम लोग की दिए हैं कि आप पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज ऑफ के ऊपर ले सकते हैं कितना करोड़ तक? 20 करोड़ तक। समझाया? आप ले सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज ऑफ के ऊपर कितना करोड़ तक? 20 करोड़। एक्सीडिंग पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज ऑफ द कंपनी बाय रुपीज 20 करोड़, कॉमा
not including the temporary loans, not including the temporary loans and overdraft facilities, not including the temporary loans and overdraft facility, not including the temporary loans, are not including the temporary loans and overdraft facility. Obtained from company's bankers in the ordinary course of business. आपको तो पता है ना, टेम्पररी लोन और जो ओवरड्राफ्ट हम लोग लेते हैं, टेम्पररी लोन एंड जो ओवरड्राफ्ट लेते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अपने बैंक से, वो इस लोन का पार्ट नहीं है। समझ आ रहा है? टेम्पररी लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लोन। मतलब ये जो हम लोग अलाउ कर रहे हैं ना कि आप पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज अप के ऊपर 20 करोड़ तक और लोन ले सकते हैं, क्या ये 20 करोड़ के अंदर आप ओवरड्राफ्ट का भी अमाउंट घुसा दोगे, लोन का भी अमाउंट घुसा दोगे टेम्पररी लोन का? नहीं। तो वही लिखा हुआ, नॉट इंक्लूडिंग द टेम्पररी लोन, ये 20 करोड़ नॉट इंक्लूडिंग द टेम्पररी लोन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज बैंकर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फुल स्टॉप। फिर आप ये भी लिख दो ना, बोलो, दो चीज फर्दर रिजोल्व आएगा। एक तो आप ये लोन का पर्पस बताओगे कि इतना लोन क्यों लेना पड़ रहा है, लिख देना टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट ए, और फिर वो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट जमा करेगा। लिखो नेक्स्ट लाइन में, फर्दर रिजोल्व दैट सच लोन अमाउंट विल बी यूज इन कंपनीज प्रोजेक्ट ए, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसमें लगाया जाएगा, फुल स्टॉप। फिर फर्दर रिजोल्व दैट नेक्स्ट लाइन में लिख दो, फर्दर रिजोल्व दैट लिख दो डैश कंपनी सेक्रेटरी, डैश कंपनी सेक्रेटरी इज हेयर बाय ऑथोराइज, डैश कंपनी सेक्रेटरी इज हेयर बाय ऑथोराइज, डैश कंपनी सेक्रेटरी इज हेयर बाय ऑथोराइज, बताओ हेयर बाय ऑथोराइज क्या, टू सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, टू सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स टू रजिस्टर ऑफ कंपनी, फुल स्टॉप। खत्म। आज के लिए काफी है क्या? सुनिए, आपका होमवर्क आज यही है, एक तो लिख लीजिए, तो शगुन का क्वेश्चन नंबर कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखो, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन name change of company pursuant to CG's order, समझ गया, मतलब CG ने order किया है, क्यों order किया CG ने, क्योंकि दौरान वहां आइडेंटिकल और ट्विनलिज्म था, SR पास होगा कि OR, OR पास होगा, सेक्शन नंबर कौन सा, 4, सेक्शन 4 एंड 16, 4 एंड 16 एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन। सुनिए, सुन लीजिए दोस्तों, आपका होमवर्क क्या है, आप पूरा ड्राफ्टिंग, ये सातों ड्राफ्टिंग अच्छे से रीड करके लाएंगे, और दो दो ड्राफ्टिंग सॉल्व करना है ना, एक तो ईजीएम का क्या सॉल्व करना है, नोटिस, अरे होमवर्क दिया गया ना, मत बोलना भूल गए थे, ईजीएम का नोटिस बनाना है और ये क्वेश्चन नंबर 7। सुनिए, आप लोग का ड्राफ्टिंग का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो वेडनेसडे रहेगा, ड्राफ्टिंग का नेक्स्ट क्लास इज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे 8:15 AM पर हम स्टार्ट कर देंगे, तो लेट वालों को हो सकता है एंट्री नहीं मिले,
ठीक है और मिलेगी मिल जाएगा ऐसा क्या बात है, बट कुछ ना कुछ छुट जाएगा। तो वेडनेसडे 8:15 पर स्टार्ट कर देंगे हम। अच्छा सुन लो और एक चीज, उस दिन होमवर्क डिस्कस करेंगे ये दोनों, मिनट सीखेंगे, क्या सीखेंगे, और फिर बोर्ड मीटिंग का नोटिस मिनट्स एंड रेजोल्यूशन सीखेंगे। बोर्ड मीटिंग का क्या है ना, नोटिस मिनट्स रेजोल्यूशन थोड़ा छोटा रहता है, पूछो क्यों, क्योंकि क्योंकि बोर्ड मीटिंग जो है ना उसमें एजेंडा कंपलसरी नहीं होता, हालांकि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बट कंपलसरी नहीं होता, तो बोर्ड मीटिंग छोटा होता है नोटिस मिनट्स एंड रेजोल्यूशन। तो अपने जनरल मीटिंग का मिनट्स खत्म करेंगे एंड बोर्ड मीटिंग का पोर्शन खत्म कर देंगे, मतलब कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग, जी हाँ कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग नेक्स्ट क्लास खत्म कर देंगे। ओके ओके थैंक यू बाय।